कोटी एक 2024 की हिंदुस्तानी कन्नड़ जबान की थ्रिलर ड्रामा फिल्म है जिसकी हदायतकारी डेब्यू करने वाले परम ने की है और इसे जेव स्टूडियोज के बैनर के तहत ज्योति देशपांडे ने प्रोड्यूस किया है। इस फिल्म में धनंजया मोक्षा कुशाल रमेश इंदिरा रंगायना राघव और तारा हैं। ये कन्नड़ सिनेमा के दाखिले में को निशान जद करता है। जियो स्टूडियोज फिल्म की सिनेमाटोग्राफी अरुण भर्मा ने प्रतीक शेट्टी ने एडिट की है और बैकग्राउंड स्कोर नोबन पाल ने किया है। कोटी परम की तरफ से हदायतकारी परम की तरफ से प्रोड्यूसर ज्योति देशपांडे ने अदाकारी की। धनंजया मोक्षा कुशाल रमेश इंदिरा तारा रंगीन राघव सिनेमाटोग्राफी अरुण भर्मा ने एडिट किया। प्रतीक शेट्टी म्यूजिक बजरिया गानों वासोकी वैभव बस मंदिर का स्कोर नोबन पाल पैदावार कंपनियां जियो स्टूडियोज विष्णव स्टूडियोज के आर जियो स्टूडियोज के जरिए तकसीम किया गया। तारीख रिहाई 14 जून 2024। वक्त चल रहा है 170 मिनट। जबान कंटर ये फिल्म 14 जून 2024 को रिलीज होने वाली है। प्लॉट तरमीम अपनी बहन की शादी और बदअनुमान जिंता शहर में मुस्तकबिल के लिए एक ईमानदार खुशकिस्मती की तलाश में एक सच्चा आम आदमी कोटी ताकतवर गैंग लीडर डैनम साहूकार की मुखालफत करता है। जब कोटी के नाफरमानी बढ़ते हुए कर्जों का बाइस बनती है तो इसे ख़त्म करने के लिए जिंदगी को बदलने वाले इंतखाब का सामना करना पड़ता है। कास्ट तरमीम धनंजया बतौर कोटी मोकश किशाल बतौरे नोमी रमेश अंदरा बतौरे डैनो साउकर तारा कुटी की मां के तौर पर रंगीन राघव बतौरे रमना पृथ्वी शाना नूर बतौरे निची कोटी की बहन के तौर पर थानुजा वेंकटेश सरदार सुखिया बतौरे प्रभाकर अभिषेक श्रीकांत शिवा के तौर पर पैदावार तरमीम अप्रैल 2023 में ये इतला मिली थी कि परम कंटर टेलीविजन में वयाकुम 18 कंटर क्लस्टर के बिजनेस हेड के तौर पर अपने काम के लिए मशहूर सिल्वर स्क्रीन पर एंट्री देने के लिए तैयार थे। इसने इसके लिए जियो स्टूडियोज के साथ हाथ मिलाया और धनंजया को प्रोजेक्ट को सुर्खी के लिए चुना गया। अगरचे इब्तदाई तौर पर अनुमान को लपेट दिया गया धनंजया ने गलती से अपने एक इंटरव्यू में फिल्म का नाम जाहिर किया और जिन्होंने 2023 के रोमांटिक ड्रामे सप्ताह सागर दाचे एलव में सामेन को मुतासर किया था को फिल्म में मुखालफ के तौर पर कास्ट किया गया। फिल्म की शूटिंग बेंगलुरु और मैसूर में की गई थी। साउंडट्रैक कोटी साउंडट्रैक एल्बम बजरिया वासिफ की वैभव रिलीज शुदा 2024 रिकॉर्ड 2024 जनवरी साउंडट्रैक की लंबाई 18 लेबल सार गामा प्रोड्यूसर ज्योति देशपांडे वासव की वैभव की तारीख तगारो पालिया 2023 कूटी 2024 यूट्यूब पर बैरूनी ऑडियो ऑफिशियल ऑडियो जोक बॉक्स फिल्म के गाने वासिफ की वैभव ने तरतीब दिए हैं जबकि बैकग्राउंड स्कोर नोबन पाल का है। फिल्म के मौसीकी के हकूक सारे गामा ने हासिल किए थे। ट्रैक लिस्ट नंबर टाइटल के गाने की लंबाई
माथो सोथो रिहाई तरमीम थ्रेटिकल तरमीम फिल्म 14 जून 2024 को थिएटर में रिलीज के लिए तैयार है। हवाला एजाज तरमीम छलांग लगाएं ए बी कोटी धनंजय का अगला जियो स्टूडियो के साथ है। सबसे पहले जनूबी 9 अप्रैल 2024 बाजार शुदा 7 मई 2024 कंटर विजय कर्नाटिक 14 मई 2024 को बाजार किया गया। बेवरो दी हिंदू 9 अप्रैल 2024 धनंजया की अगली फिल्म कूटी है जिसके हदायतकार परमेश्वर कंडगल हैं। हिंदू 14 मई 2024 को बाजार किया गया। बेवरो दी हिंदू 9 अप्रैल 2024 धनंजया की अगली फिल्म कूटी है जिस के हदायतकार परमेश्वर हैं। शारदा ए 29 मई 2023 खुशकिस्मती है कि मैं सिर्फ अपनी दूसरी फिल्म में धनंजय के साथ काम करूं। सिनेमा एक्सप्रेस 7 मई 2024 को बाजियाफ्त किया गया। श्रद्धा ए 11 अप्रैल 2023 परम स्टूडियोज के साथ कई प्रोजेक्ट्स के जियो ने बैंक रोल करने के लिए हाथ मिलाया। द न्यूज इंडियन एक्सप्रेस 7 मई 2024 को बाजियाफ्त किया गया। सर्वस एक्सप्रेस न्यूज 6 मई 2024 रमेश इंदिरा कोटी में मुखालफ का किरदार अदा करेंगे। द न्यूज इंडियन एक्सप्रेस 7 मई 2024 को बाजियाफ्त किया गया। खसूसियात सी ई 13 अप्रैल 2024 मैं चाहता हूँ कि सब आप मेकूटी को दरियाफ्त करें। धनंजय सिनेमा एक्सप्रेस 7 मई 2024 को बाजियाफ्त किया गया। डाली धनंजया की कोटी 14 जून को रिलीज होगी। टाइम्स नाउ 15 अप्रैल 2024 बाजियाब शुदा 7 मई 2024 बैरूनी रवाबत आखिरी तरमीम 9 दिन पहले के जरिए की गई मवाद के तहत दस्तयाब है जब तक कि दूसरी सूरत में नोट ना किया जाए। राजदारी की पॉलिसी इस्तेमाल करने की शराय डेस्कटॉप तलाश करें। धनंजया अदाकार आर्टिकल टॉक जबान डाउनलोड अतरना पीडीएफ डाउनलोड तहम उन्होंने ज़्यादा संजीदगी से काम करने और एक शोक थिएटर ग्रुप में शामिल होने लगे जो जी पायर नामी एक सीनियर रमेशा के नाम से एक सीनियर रमेशा आर्टिस्ट के तरफ से सरबरा और मुलाजहा किया। जर्मनी में जर्मनी थिएटर आर्टिस्ट ईसाई स्टक की तरफ से वो भी तस्लीम शुदा और मैसर एक ड्रामा में इनकी परफॉर्मेंस में से एक के दौरान इन्हें मकबूल कनाडा डायरेक्टर गुरु प्रसाद की तरफ से तस्लीम किया गया था और एक खसूसियत फिल्म में एक अहम किरदार पेश की गई थी। इस तरह सैंड्रोलन में अपने करियर शुरू हुआ। फिल्म करियर में तरमीम और अमले में तरमीम अमले में फिल्म इलामा के पेशकश में भारत 47 बैन अल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल 26 नवंबर 2016 कोटी 1 2024 की हिंदुस्तानी कंटर जबान गई थ्रिलर ड्रामा फिल्म है जिसकी हदायतकारी डेब्यू करने वाले परम ने की है और इसे जेव स्टूडियोज़ के बैनर के तहत ज्योति देशपांडे ने प्रोड्यूस किया है। इस फिल्म में धनंजया मोक्षा कुशाल रमेश इंदिरा रंगायना राघव और तारा हैं। ये कंटर सिनेमा के दाखिले में को निशान जद करता है। जियो स्टूडियोज़ फिल्म की सिनेमाटोग्राफी अरुण भरमा ने प्रतीक शेट्टी ने एडिट की है और बैकग्राउंड स्कोर नोबन पाल ने किया है।
कोटी परम की तरफ से, हदायतकारी परम की तरफ से, प्रोड्यूसर ज्योति देशपांडे ने अदाकारी की। धनंजया, मोक्षा कुशाल, रमेश इंदिरा, तारा, रंगीन राघव, सिनेमाटोग्राफी अरुण भर्मा ने एडिट किया। प्रतीक शेट्टी म्यूजिक, बजरिया गानों, वासोकी वैभव बस मंदिर का स्कोर, नोबन पाल, पैदावार कंपनियां जियो स्टूडियोज, विष्णव स्टूडियोज के आर जी स्टूडियोज के जरिए तकसीम किया गया। तारीख रिहाई 14 जून 2024, वक्त चल रहा है 170 मिनट, जुबान कंटर। ये फिल्म 14 जून 2024 को रिलीज होने वाली है। प्लॉट तरमीम, अपनी बहन की शादी और बदउनवान जिंता शहर में मुस्तकबिल के लिए एक ईमानदार खुशकिस्मती की तलाश में एक सच्चा आम आदमी कोटी ताकतवर गैंग लीडर डैनम साहूकार की मुखालफत करता है। जब कोटी के नाफरमानी बढ़ते हुए कर्जों का बाइस बनती है तो इसे ख़त्म करने के लिए जिंदगी को बदलने वाले इंतखाब का सामना करना पड़ता है। कास्ट तरमीम, धनंजया बतौर कोटी, मोक्ष किशाल बतौर नोमी, रमेश इंदिरा बतौर डैनो साउकर, तारा कुटी की मां के तौर पर, रंगीन राघव बतौर रमना पृथ्वी, शाना नूर बतौर निची, कोटी की बहन के तौर पर थानुजा वेंकटेश, सरदार सुखिया बतौर प्रभाकर, अभिषेक श्रीकांत शिवा के तौर पर। पैदावार तरमीम, अप्रैल 2023 में ये इतला मिली थी कि परम कंटर टेलीविजन में वयाकोम 18 कंटर क्लस्टर के बिजनेस हेड के तौर पर अपने काम के लिए मशहूर सिल्वर स्क्रीन पर एंट्री देने के लिए तैयार थे। इसने इसके लिए जियो स्टूडियोज़ के साथ हाथ मिलाया और धनंजया को प्रोजेक्ट को सुर्खी के लिए चुना गया। अगरचे इब्तदाई तौर पर अनुमान को लपेट दिया गया, धनंजया ने गलती से अपने एक इंटरव्यू में फिल्म का नाम जाहिर किया और जिन्होंने 2023 के रोमांटिक ड्रामे सप्ता सागर दाचे एलव में सामेन को मुतासर किया था को फिल्म में मुखालफ के तौर पर कास्ट किया गया। फिल्म की शूटिंग बेंगलुरु और मैसूर में की गई थी। साउंडट्रैक कोटी साउंडट्रैक एल्बम बजरिया वासिब की वैभव रिलीज शुदा 2024 रिकॉर्ड 2024 जनवरी साउंडट्रैक की लंबाई 18 लेबल सार गामा प्रोड्यूसर ज्योति देशपांडे वासव की वैभव की तारीख गारो पालिया 2023 कोटी 2024 यूट्यूब पर बैरूनी ऑडियो ऑफिशियल ऑडियो जोक बॉक्स। फिल्म के गाने वासिफ की वैभव ने तरतीब दिए हैं जबकि बैकग्राउंड स्कोर नोबन पॉल का है। फिल्म के मौसीकी के हकूक सारे गामा ने हासिल किए थे। ट्रैक लिस्ट नंबर टाइटल के गाने की लंबाई माथो सोथो रिहाई तरमीम थ्रेटिकल तरमीम। फिल्म 14 जून 2024 को थिएटर में रिलीज के लिए तैयार है। हवाला एजाज तरमीम, छलांग लगाएं, ए बी कोटी धनंजया का अगला जियो स्टूडियो के साथ है। सबसे पहले जनूबी 9 अप्रैल 2024, बाजार शुदा 7 मई 2024, कंटर विजय कर्नाटक 14 मई 2024 को बाजार किया गया।
ब्यावरो दी हिंदू 9 अप्रैल 2024 धनंजया की अगली फिल्म कोटी है, जिसके हदायतकार परमेश्वर कंडगल हैं। हिंदू 14 मई 2024 को बाजार किया गया। ब्यावरो दी हिंदू 9 अप्रैल 2024 धनंजया की अगली फिल्म कोटी है, जिस के हदायतकार परमेश्वर हैं। शारदा ए 29 मई 2023 खुशकिस्मती है कि मैं सिर्फ अपनी दूसरी फिल्म में धनंजय के साथ काम करूं। सिनेमा एक्सप्रेस 7 मई 2024 को बाजार किया गया। श्रद्धा ए 11 अप्रैल 2023 परम स्टूडियोज़ के साथ कई प्रोजेक्ट्स के जियो ने बैंक रोल करने के लिए हाथ मिलाया। द न्यूज़ इंडियन एक्सप्रेस 7 मई 2024 को बाजियाफ्त किया गया। सर्वस एक्सप्रेस न्यूज़ 6 मई 2024 रमेश इंदिरा कोटी में मुखालफ का किरदार अदा करेंगे। द न्यूज़ इंडियन एक्सप्रेस 7 मई 2024 को बाजियाफ्त किया गया। खसूसियात सी ई 13 अप्रैल 2024 मैं चाहता हूँ कि सब आप में कोटी को दरियाफ्त करें। धनंजय सिनेमा एक्सप्रेस 7 मई 2024 को बाजियाफ्त किया गया। डाली धनंजया की कोटी 14 जून को रिलीज होगी। टाइम्स नाउ 15 अप्रैल 2024 बाजियाब शुदा 7 मई 2024 बैरूनी रवाबत आखिरी तरमीम 9 दिन पहले के जरिए की गई मवाद के तहत दस्तयाब है, जब तक कि दूसरी सूरत में नोट ना किया जाए। राजदारी की पॉलिसी इस्तेमाल करने की शराय डेस्कटॉप तलाश करें। धनंजया अदाकार आर्टिकल टॉक जबान डाउनलोड अतरना पीडीएफ डाउनलोड। तहम उन्होंने ज़्यादा संजीदगी से काम करने और एक शोक थिएटर ग्रुप में शामिल होने लगे, जो जी पायर नामी एक सीनियर रमेशा के नाम से एक सीनियर रमेशा आर्टिस्ट के तरफ से सरबरा और मुलाजहा किया। जर्मनी में जर्मनी थिएटर आर्टिस्ट ईसाई स्टक की तरफ से वो भी तस्लीम शुदा और मैसर एक ड्रामा में इनकी परफॉर्मेंस में से एक के दौरान इन्हें मकबूल कनाडा डायरेक्टर गुरु प्रसाद की तरफ से तस्लीम किया गया था और एक खसूसियत फिल्म में एक अहम किरदार पेश की गई थी। इस तरह सैंड्रोलन में अपने करियर शुरू हुआ। फिल्म करियर में तरमीम और अमले में तरमीम। अमले में फिल्म इलामा के पेशकश में भारत 47 बैन अल-क़ौमी फिल्म फेस्टिवल 26 नवंबर 2016। कोटी एक 2024 की हिंदुस्तानी कन्नड़ जबान की थ्रिलर ड्रामा फिल्म है, जिसकी हदायतकारी डेब्यू करने वाले परम ने की है और इसे जेव स्टूडियोज़ के बैनर के तहत ज्योति देशपांडे ने प्रोड्यूस किया है। इस फिल्म में धनंजया मोक्षा कुशल रमेश इंदिरा रंगायना राघव और तारा हैं। ये कन्नड़ सिनेमा के दाखिले में को निशान जद करता है। जियो स्टूडियोज़ फिल्म की सिनेमाटोग्राफी अरुण भरमा ने प्रतीक शेट्टी ने एडिट की है और बैकग्राउंड स्कोर नोबन पाल ने किया है। कोटी परम की तरफ से हदायतकारी परम की तरफ से प्रोड्यूसर ज्योति देशपांडे ने अदाकारी की। धनंजया मोक्षा कुशल रमेश इंदिरा तारा रंगीन राघव सिनेमाटोग्राफी अरुण भरमा ने एडिट किया। प्रतीक शेट्टी म्यूजिक बजरिया गानों वासोकी वैभव बस मंदिर का स्कोर नोबन पाल। पैदावार कंपनियां जियो स्टूडियोज़ विष्णव स्टूडियोज़ के आर जी स्टूडियोज़ के ज़रिए तकसीम किया गया। तारीख रिहाई
14 जून 2024 वक्त चल रहा है 170 मिनट। जुबान कंटर ये फिल्म 14 जून 2024 को रिलीज होने वाली है। प्लॉट तरमीम अपनी बहन की शादी और बदउनवान जिंता शहर में मुस्तकबिल के लिए एक ईमानदार खुशकिस्मती की तलाश में एक सच्चा आम आदमी कोटी ताकतवर गैंग लीडर डैनम साहूकार की मुखालफत करता है। जब कोटी के नाफरमानी बढ़ते हुए कर्जों का बाइस बनती है तो इसे ख़त्म करने के लिए ज़िंदगी को बदलने वाले इंतखाब का सामना करना पड़ता है। कास्ट तरमीम धनंजया बतौर कोटी, मोक्ष किशाल बतौर नोमी, रमेश इंदिरा बतौर डैनू साहूकर, तारा कुटी की मां के तौर पर रंगीन राघव बतौर रमना पृथ्वी, शाना नूर बतौर निची, कोटी की बहन के तौर पर थानुजा वेंकटेश, सरदार सुखिया बतौर प्रभाकर, अभिषेक श्रीकांत शिवा के तौर पर पैदावार तरमीम। अप्रैल 2023 में ये इत्तला मिली थी कि परम कंटर टेलीविजन में वयाकोम 18 कंटर क्लस्टर के बिजनेस हेड के तौर पर अपने काम के लिए मशहूर सिल्वर स्क्रीन पर एंट्री देने के लिए तैयार थे। इसने इसके लिए जियो स्टूडियोज़ के साथ हाथ मिलाया और धनंजया को प्रोजेक्ट को सुर्खी के लिए चुना गया। अगरचे इब्तदाई तौर पर अनुमान को लपेट दिया गया, धनंजया ने गलती से अपने एक इंटरव्यू में फिल्म का नाम जाहिर किया और जिन्होंने 2023 के रोमांटिक ड्रामे सप्ताह सागर दाचे एलव में सामेन को मुतासर किया था को फिल्म में मुखालफ के तौर पर कास्ट किया गया। फिल्म की शूटिंग बेंगलुरु और मैसूर में की गई थी। साउंडट्रैक कोटी साउंडट्रैक एल्बम मजरिया वासिफ की वैभव रिलीज शुदा 2024 रिकॉर्ड 2024 जनवरी साउंड ट्रैक की लंबाई 18 लेबल सार गामा प्रोड्यूसर ज्योति देशपांडे वैभव की तारीख तगारो पालिया 2023 कूटी 2024 यूट्यूब पर बैरूनी ऑडियो ऑफिशियल ऑडियो जोक बॉक्स। फिल्म के गाने वासिफ की वैभव ने तरतीब दिए हैं जबकि बैकग्राउंड स्कोर नोबिन पॉल का है। फिल्म के मौसीकी के हकूक सारे गामा ने हासिल किए थे। ट्रैक लिस्ट नंबर टाइटल के गाने की लंबाई माथो सोथो रिहाई तरमीम थ्रेटिकल तरमीम। फिल्म 14 जून 2024 को थिएटर में रिलीज के लिए तैयार है। हवाला एजाज तरमीम छलांग लगाएं ए बी कोटी धनंजया का अगला जियो स्टूडियो के साथ है। सबसे पहले जनूबी 9 अप्रैल 2024 बाजार शुदा 7 मई 2024 कंटर विजय कर्नाटिक 14 मई 2024 को बाजार किया गया। बैवरो दी हिंदू 9 अप्रैल 2024 धनंजया की अगली फिल्म कूटी है जिसके हदायतकार परमेश्वर कंडगल हैं। हिंदू 14 मई 2024 को बाजार किया गया। बैवरो दी हिंदू 9 अप्रैल 2024 धनंजया की अगली फिल्म कूटी है जिसके हदायतकार परमेश्वर हैं। शारदा
29 मई 2023 खुशकिस्मती है कि मैं सिर्फ अपनी दूसरी फिल्म में धनंजय के साथ काम करूं। सिनेमा एक्सप्रेस 7 मई 2024 को बाजियाफ्त किया गया। श्रद्धा ए 11 अप्रैल 2023 परम स्टूडियोज के साथ कई प्रोजेक्ट्स के जियो ने बैंक रोल करने के लिए हाथ मिलाया। द न्यूज़ इंडियन एक्सप्रेस 7 मई 2024 को बाजियाफ्त किया गया। सर्वस एक्सप्रेस न्यूज़ 6 मई 2024 रमेश इंदिरा कोटी में मुखालफ का किरदार अदा करेंगे। द न्यूज़ इंडियन एक्सप्रेस 7 मई 2024 को बाजियाफ्त किया गया। खसूसियात सी ई 13 अप्रैल 2024 मैं चाहता हूँ कि सब आप में कोटी को दरियाफ्त करें। धनंजय सिनेमा एक्सप्रेस 7 मई 2024 को बाजियाफ्त किया गया। डाली धनंजाया की कोटी 14 जून को रिलीज होगी। टाइम्स नाउ 15 अप्रैल 2024 बाजियाफ्त शुदा 7 मई 2024 बैरूनी रवाबत आखिरी तरमीम 9 दिन पहले के जरिए की गई मवाद के तहत दस्तयाब है जब तक कि दूसरी सूरत में नोट ना किया जाए। राजदारी की पॉलिसी इस्तेमाल करने की शराय डेस्कटॉप तलाश करें। धनंजया अदाकार आर्टिकल टॉक जबान डाउनलोड अतरना पीडीएफ डाउनलोड। तहम उन्होंने ज़्यादा संजीदगी से काम करने और एक शोक थिएटर ग्रुप में शामिल होने लगे जो जी फायर नामी एक सीनियर रमेशा के नाम से एक सीनियर रमेशा आर्टिस्ट के तरफ से सरबरा और मुलाजहा किया। जर्मनी में जर्मनी थिएटर आर्टिस्ट ईसाई स्टक की तरफ से वो भी तस्लीम शुदा और मैसर एक ड्रामा में इनकी परफॉर्मेंस में से एक के दौरान इन्हें मकबूल कनाडा डायरेक्टर गुरु प्रसाद की तरफ से तस्लीम किया गया था और एक खसूसियत फिल्म में एक अहम किरदार पेश की गई थी। इस तरह सैंड्रोलन में अपने करियर शुरू हुआ। फिल्म करियर में तरमीम और अमले में तरमीम। अमले में फिल्म इलामा के पेशकश में भारत 47 बैन अल-क़ौमी फिल्म फेस्टिवल 26 नवंबर 2016। कोटी 1 2024 की हिंदुस्तानी कन्नड़ जबान की थ्रिलर ड्रामा फिल्म है जिसकी हदायतकारी डेब्यू करने वाले परम ने की है और इसे जेव स्टूडियोज़ के बैनर के तहत ज्योति देशपांडे ने प्रोड्यूस किया है। इस फिल्म में धनंजया मोक्षा कुशाल रमेश इंदिरा रंगायना राघव और तारा हैं। ये कन्नड़ सिनेमा के दाखिले में को निशान जद करता है। जियो स्टूडियोज़ फिल्म की सिनेमाटोग्राफी और अरुण भरमा ने प्रतीक शेट्टी ने एडिट की है और बैकग्राउंड स्कोर नोबन पाल ने किया है। कोटी परम की तरफ से हदायतकारी परम की तरफ से प्रोड्यूसर ज्योति देशपांडे ने अदाकारी की। धनंजया मोक्षा कुशाल रमेश इंदिरा तारा रंगीन राघव सिनेमाटोग्राफी और अरुण भरमा ने एडिट किया। प्रतीक शेट्टी म्यूजिक बजरिया गानों वासोकी वैभव बस मंदिर का स्कोर नोबन पाल पैदावार कंपनियां जियो स्टूडियोज विष्णव स्टूडियोज के आर जी स्टूडियोज के जरिए तकसीम किया गया। तारीख रिहाई 14 जून 2024 वक्त चल रहा है 170 मिनट जबान कंटर। ये फिल्म 14 जून 2024 को रिलीज होने वाली है। प्लॉट तरमीम अपनी बहन की शादी और बदउनवान जिंता शहर में मुस्तकबिल के लिए एक ईमानदार खुशकिस्मती की तलाश में एक सच्चा आम आदमी कोटी ताकतवर गैंग लीडर डैनम साहूकार की मुखालफत करता है।
जब कोटी के नाफरमानी बढ़ते हुए कर्जों का बाइस बनती है तो इसे ख़त्म करने या ख़त्म करने के लिए ज़िंदगी को बदलने वाले इंतखाब का सामना करना पड़ता है। कास्ट तरमीम धनंजया बतौर कोटी, मोक्ष किशाल बतौर नोमी, रमेश इंदिरा बतौर डैनू सावकर, तारा कुटी की माँ के तौर पर रंगीन राघव बतौर रमना पृथ्वी, शाना नूर बतौर निची, कोटी की बहन के तौर पर थानुजा वेंकटेश, सरदार सुखिया बतौर प्रभाकर, अभिषेक श्रीकांत, शिवा के तौर पर पैदावार तरमीम। अप्रैल 2023 में ये इतला मिली थी कि परम कंटर टेलीविजन में वया कुम 18 कंटर क्लस्टर के बिजनेस हेड के तौर पर अपने काम के लिए मशहूर सिल्वर स्क्रीन पर एंट्री देने के लिए तैयार थे। इसने इसके लिए जियो स्टूडियोज़ के साथ हाथ मिलाया और धनंजया को प्रोजेक्ट को सुर्खी के लिए चुना गया। अगरचे इब्तदाई तौर पर अनुमान को लपेट दिया गया, धनंजया ने गलती से अपने एक इंटरव्यू में फिल्म का नाम जाहिर किया और जिन्होंने 2023 के रोमांटिक ड्रामे सप्ताह सागर दाचे एलव में सामेन को मुतासर किया था को फिल्म में मुखालफ के तौर पर कास्ट किया गया। फिल्म की शूटिंग बेंगलुरु और मैसूर में की गई थी। साउंडट्रैक कोटी साउंडट्रैक एल्बम मजरिया वासिफ की वैभव रिलीज शुदा 2024 रिकॉर्ड 2024 जनवरी साउंडट्रैक की लंबाई 18 लेबल सार गामा प्रोड्यूसर ज्योति देशपांडे वैभव की तारीख तगारो पालिया 2023 कोटी 2024 यूट्यूब पर बैरूनी ऑडियो ऑफिशियल ऑडियो जोक बॉक्स। फिल्म के गाने वासिफ की वैभव ने तरतीब दिए हैं जबकि बैकग्राउंड स्कोर नोबिन पॉल का है। फिल्म के मौसीकी के हकूक सारे गामा ने हासिल किए थे। ट्रैक लिस्ट नंबर टाइटल के गाने की लंबाई माथो सोथो रिहाई तरमीम थ्रेटिकल तरमीम। फिल्म 14 जून 2024 को थिएटर में रिलीज के लिए तैयार है। हवाला एजाज तरमीम छलांग लगाएं ए बी कोटी धनंजया का अगला जियो स्टूडियो के साथ है। सबसे पहले जनूबी 9 अप्रैल 2024 बाजार शुदा 7 मई 2024 कंटर विजय कर्नाटक 14 मई 2024 को बाजार किया गया। बेवरो दी हिंदू 9 अप्रैल 2024 धनंजया की अगली फिल्म कूटी है जिसके हदायतकार परमेश्वर कंडगल हैं। हिंदू 14 मई 2024 को बाजार किया गया। बेवरो दी हिंदू 9 अप्रैल 2024 धनंजया की अगली फिल्म कूटी है जिसके हदायतकार परमेश्वर हैं। शारदा ए 29 मई 2023 खुशकिस्मती है कि मैं सिर्फ अपनी दूसरी फिल्म में धनंजय के साथ काम करूं। सिनेमा एक्सप्रेस 7 मई 2024 को बाजियाफ्त किया गया। श्रद्धा ए 11 अप्रैल 2023 परम स्टूडियोज़ के साथ कई प्रोजेक्ट्स के जियो ने बैंक रोल करने के लिए हाथ मिलाया। द न्यूज़ इंडियन एक्सप्रेस 7 मई 2024 को बाजियाफ्त किया गया।
सर्वस एक्सप्रेस न्यूज़ 6 मई 2024 रमेश इंदिरा कोटी में मुखालफ का किरदार अदा करेंगे। द न्यूज़ इंडियन एक्सप्रेस 7 मई 2024 को बाजियाफ्त किया गया। खसूसियात सी ई 13 अप्रैल 2024 मैं चाहता हूँ कि सब आप में कोटी को दरियाफ्त करें। धनंजय सिनेमा एक्सप्रेस 7 मई 2024 को बाजियाफ्त किया गया। डाली धनंजया की कोटी 14 जून को रिलीज होगी। टाइम्स नाउ 15 अप्रैल 2024 बाजियाब शुदा 7 मई 2024 बैरूनी रवाबत आखिरी तरमीम 9 दिन पहले के जरिए की गई मवाद के तहत दस्तयाब है जब तक कि दूसरी सूरत में नोट ना किया जाए। राजदारी की पॉलिसी इस्तेमाल करने की शराय डेस्कटॉप तलाश करें। धनंजया अदाकार आर्टिकल टॉक जबान डाउनलोड अतरना पीडीएफ डाउनलोड। तहम उन्होंने ज़्यादा संजीदगी से काम करने और एक शोक थिएटर ग्रुप में शामिल होने लगे जो जी पायर नामी एक सीनियर रमेशा के नाम से एक सीनियर रमेशा आर्टिस्ट के तरफ से सरबरा और मुलाजहा किया। जर्मनी में जर्मनी थिएटर आर्टिस्ट ईसाई स्टक की तरफ से वो भी तस्लीम शुदा और मैसर एक ड्रामा में इनकी परफॉर्मेंस में से एक के दौरान इन्हें मकबूल कनाडा डायरेक्टर गुरु प्रसाद की तरफ से तस्लीम किया गया था और एक खसूसियत फिल्म में एक अहम किरदार पेश की गई थी। इस तरह सैंड्रोलन में अपने करियर शुरू हुआ। फिल्म करियर में तरमीम और अमले में तरमीम। अमले में फिल्म इलामा के पेशकश में भारत 47 बैन अल-क़ौमी फिल्म फेस्टिवल 26 नवंबर 2016 कोटी 1 2024 की हिंदुस्तानी कन्नड़ जबान की थ्रिलर ड्रामा फिल्म है जिसकी हदायतकारी डेब्यू करने वाले परम ने की है और इसे जेव स्टूडियोज़ के बैनर के तहत ज्योति देशपांडे ने प्रोड्यूस किया है। इस फिल्म में धनंजया मोक्षा कुशाल रमेश इंदिरा रंगायना राघव और तारा हैं। ये कन्नड़ सिनेमा के दाखिले में को निशान जद करता है। जियो स्टूडियोज़ फिल्म की सिनेमाटोग्राफी अरुण भरमा ने प्रतीक शेट्टी ने एडिट की है और बैकग्राउंड स्कोर नोबिन पॉल ने किया है। कोटी परम की तरफ से हदायतकारी परम की तरफ से प्रोड्यूसर ज्योति देशपांडे ने अदाकारी की। धनंजया मोक्षा कुशाल रमेश इंदिरा तारा रंगीन राघव सिनेमाटोग्राफी अरुण भरमा ने एडिट किया। प्रतीक शेट्टी म्यूजिक बजरिया गानों वासोकी वैभव बस मंजर का स्कोर नोबन पॉल पैदावार कंपनियां जियो स्टूडियोज विष्णव स्टूडियोज के आर जी स्टूडियोज के जरिए तकसीम किया गया। तारीख रिहाई 14 जून 2024 वक्त चल रहा है 170 मिनट जबान कंटर। ये फिल्म 14 जून 2024 को रिलीज़ होने वाली है। प्लॉट तरमीम अपनी बहन की शादी और बदउनवान जिंता शहर में मुस्तकबिल के लिए एक ईमानदार खुशकिस्मती की तलाश में एक सच्चा आम आदमी कोटी ताकतवर गैंग लीडर डैनम साहूकार की मुखालफत करता है। जब कोटी के नाफरमानी बढ़ते हुए कर्जों का बाइस बनती है तो इसे ख़त्म करने के लिए ज़िंदगी को बदलने वाले इंतखाब का सामना करना पड़ता है। कास्ट तरमीम धनंजया बतौर कोटी मोकश किशाल बतौर नोमी रमेश इंदिरा बतौर डैनो साउकर तारा कुटी की मां के तौर पर रंगीन राघव बतौर रमना पृथ्वी
शाना नूर बतौर निची, कोटी की बहन के तौर पर थानुजा वेंकटेश, सरदार सुखिया बतौर प्रभाकर, अभिषेक श्रीकांत शिवा के तौर पर पैदावार तरमीम। अप्रैल 2023 में ये इतला मिली थी कि परम कंटर टेलीविजन में वया कोम 18 कंटर कल्स्टर के बिजनेस हेड के तौर पर अपने काम के लिए मशहूर सिल्वर स्क्रीन पर एंट्री देने के लिए तैयार थे। इसने इसके लिए जियो स्टूडियोज़ के साथ हाथ मिलाया और धनंजया को प्रोजेक्ट को सुर्खी के लिए चुना गया। अगरचे इब्तदाई तौर पर अनुमान को लपेट दिया गया, धनंजया ने गलती से अपने एक इंटरव्यू में फिल्म का नाम जाहिर किया और जिन्होंने 2023 के रोमांटिक ड्रामे सप्ताह सागर दाचे एलव में सामेन को मुतासर किया था को फिल्म में मुखालफ के तौर पर कास्ट किया गया। फिल्म की शूटिंग बेंगलुरु और मैसूर में की गई थी। साउंडट्रैक कोटी साउंडट्रैक एल्बम मजरिया वासिफ की वैभव रिलीज शुदा 2024 रिकॉर्ड 2024 जनवरी साउंडट्रैक की लंबाई 18 लेबल सार गामा प्रोड्यूसर ज्योति देशपांडे वैभव की तारीख गारो पालिया 2023 कोटी 2024 यूट्यूब पर बैरूनी ऑडियो ऑफिशियल ऑडियो जोक बॉक्स। फिल्म के गाने वासिफ की वैभव ने तरतीब दिए हैं जबकि बैकग्राउंड स्कोर नोबिन पॉल का है। फिल्म के मौसीकी के हकूक सारे गामा ने हासिल किए थे। ट्रैक लिस्ट नंबर टाइटल के गाने की लंबाई माथो सोथो रिहाई तरमीम थ्रेटिकल तरमीम। फिल्म 14 जून 2024 को थिएटर में रिलीज के लिए तैयार है। हवाला एजाज तरमीम छलांग लगाएं ए बी कोटी धनंजया का अगला जियो स्टूडियो के साथ है। सबसे पहले जनूबी 9 अप्रैल 2024 बाजार शुदा 7 मई 2024 कंटर विजय कर्नाटक 14 मई 2024 को बाजार किया गया। बैवरो दी हिंदू 9 अप्रैल 2024 धनंजया की अगली फिल्म कूटी है जिसके हदायतकार परमेश्वर कंडगल हैं। हिंदू 14 मई 2024 को बाजार किया गया। बैवरो दी हिंदू 9 अप्रैल 2024 धनंजया की अगली फिल्म कूटी है जिसके हदायतकार परमेश्वर हैं। शारदा ए 29 मई 2023 खुशकिस्मती है कि मैं सिर्फ अपनी दूसरी फिल्म में धनंजय के साथ काम करूं। सिनेमा एक्सप्रेस 7 मई 2024 को बाजियाफ्त किया गया। श्रद्धा ए 11 अप्रैल 2023 परम स्टूडियोज़ के साथ कई प्रोजेक्ट्स के जियो ने बैंक रोल करने के लिए हाथ मिलाया। द न्यूज़ इंडियन एक्सप्रेस 7 मई 2024 को बाजियाफ्त किया गया। सर्वस एक्सप्रेस न्यूज़ 6 मई 2024 रमेश इंदिरा कोटी में मुखालफ का किरदार अदा करेंगे। द न्यूज़ इंडियन एक्सप्रेस 7 मई 2024 को बाजार किया गया। खसूसियात सी 13 अप्रैल 2024 मैं चाहता हूँ कि सब आप में कोटी को
دریافت کریں. دھننجے سینما ایکسپریس 7 مئی 2024 کو دریافت کیا گیا. ڈالی دھننجایا کی کوٹی 14 جون کو ریلیز ہوگی. ٹائمز ناؤ 15 اپریل 2024 بازیاب شدہ 7 مئی 2024 بیرونی روابط آخری ترمیم 9 دن پہلے کے ذریعے کی گئی مواد کے تحت دستیاب ہے جب تک کہ دوسری صورت میں نوٹ نہ کیا جائے. رازداری کی پالیسی استعمال کرنے کی شرائط ڈیسک ٹاپ تلاش کریں. دھننجایا اداکار آرٹیکل ٹاک زبان ڈاؤن لوڈ اترنا پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ. تاہم انہوں نے زیادہ سنجیدگی سے کام کرنے اور ایک شوق تھیٹر گروپ میں شامل ہونے لگے جو جی پائر نامی ایک سینئر رمیشا کے نام سے ایک سینئر رمیشا آرٹسٹ کے طرف سے سربراہ اور ملازہ کیا. جرمنی میں جرمنی تھیٹر آرٹسٹ عیسائی اسٹگ کی طرف سے وہ بھی تسلیم شدہ اور میسر ایک ڈرامہ میں ان کی پرفارمنس میں سے ایک کے دوران انہیں مقبول کناڈا ڈائریکٹر گرو پاساد کی طرف سے تسلیم کیا گیا تھا اور ایک خصوصیت فلم میں ایک اہم کردار پیش کی گئی تھی. اس طرح سینڈرولن میں اپنے کیریئر شروع ہوا. فلم کیریئر میں ترمیم اور عملے میں ترمیم. عملے میں فلم علامہ کے پیشکش میں بھارت 47 بین الاقوامی فلم فیسٹیول 26 نومبر 2016. کوٹی ایک 2024 کی ہندوستانی کنٹر زبان کی تھرلر ڈرامہ فلم ہے جس کی ہدایت کاری ڈیبیو کرنے والے پرم نے کی ہے اور اسے جیو اسٹوڈیوز کے بینر کے تحت جیوتی دیش پانڈے نے پروڈیوس کیا ہے. اس فلم میں دھننجایا موشکا کشال رمیش اندرا رنگا یانا راگو اور تارا ہیں. یہ کنٹر سنیما کے داخلے میں کو نشان زد کرتا ہے. جیو اسٹوڈیوز فلم کی سینماٹوگرافی ارون بھرما نے پراتیک شیٹی نے ایڈٹ کی ہے اور بیک گراؤنڈ اسکور نوبن پال نے کیا ہے. کوٹی پرم کی طرف سے ہدایت کاری پرم کی طرف سے پروڈیوسر جیوتھی دیش پانڈے نے اداکاری کی. دھننجایا موکشا کشال رمیش اندرا تارا رنگین راگو سینماٹوگرافی ارون بھرما نے ایڈٹ کیا. پراتیک شیٹی میوزک بجریہ گانوں واسوکی ویبھو پس منظر کا اسکور نوبن پال. پیداوار کمپنیاں جیو اسٹوڈیوز وشنو اسٹوڈیوز کے آر جی اسٹوڈیوز کے ذریعے تقسیم کیا گیا. تاریخ رہائی 14 جون 2024. وقت چل رہا ہے 170 منٹ. زبان کنٹر. یہ فلم 14 جون 2024 کو ریلیز ہونے والی ہے. پلاٹ ترمیم اپنی بہن کی شادی اور بدعنوان جنتا شہر میں مستقبل کے لیے ایک ایماندار خوش قسمتی کی تلاش میں ایک سچا عام آدمی کوٹی طاقتور گینگ لیڈر ڈینم ساوکار کی مخالفت کرتا ہے. جب کوٹی کی نافرمانی بڑھتے ہوئے قرضوں کا باعث بنتی ہے تو اسے ختم کرنے کے لیے زندگی کو بدلنے والے انتخاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کاسٹ ترمیم دھننجایا بطور کوٹی موکش کشال بطور نومی رمیش اندرا بطور ڈینو ساوکر تارا کوٹی کی ماں کے طور پر رنگین راگو بطور رمنا پرتھوی شانہ نور بطور نچی کوٹی کی بہن کے طور پر تھانوجا وینکٹیش سردار سکیا بطور پربھاکر ابھیشیک شری کانت شیوا کے طور پر پیداوار ترمیم اپریل 2023 میں یہ اطلاع ملی تھی کہ پرم کنٹر ٹیلی ویژن میں ویا کوم 18 کنٹر کلسٹر کے بزنس ہیڈ کے طور پر اپنے کام کے لیے مشہور سلور اسکرین
पर एंट्री देने के लिए तैयार थे। इसने इसके लिए जियो स्टूडियोज के साथ हाथ मिलाया और धनंजय को प्रोजेक्ट को सुर्खी के लिए चुना गया। अगरचे इब्तदाई तौर पर अनुमान को लपेट दिया गया, धनंजय ने गलती से अपने एक इंटरव्यू में फिल्म का नाम जाहिर किया और जिन्होंने 2023 के रोमांटिक ड्रामे सप्ताह सागर दाचे एलव में सामीन को मुतासर किया था को फिल्म में मुखालफ के तौर पर कास्ट किया गया। फिल्म की शूटिंग बेंगलुरु और मैसूर में की गई थी। साउंडट्रैक कोटी साउंडट्रैक एल्बम मजरिया वासिफ की वैभव रिलीज शुदा 2024 रिकॉर्ड 2024 जनवरी साउंड ट्रैक की लंबाई 18 लेबल सार गामा प्रोड्यूसर ज्योति देशपांडे वैभव की तारीख गारो पालिया 2023 कूटी 2024 YouTube पर बैरूनी ऑडियो ऑफिशियल ऑडियो जोक बॉक्स। फिल्म के गाने वासिफ की वैभव ने तरतीब दिए हैं जबकि बैकग्राउंड स्कोर नोबन पॉल का है। फिल्म के मौसीकी के हकूक सारे गामा ने हासिल किए थे। ट्रैक लिस्ट नंबर टाइटल के गाने की लंबाई माथो सोथो रिहाई तरमीम थ्रेटिकल तरमीम। फिल्म 14 जून 2024 को थिएटर में रिलीज के लिए तैयार है। हवाला एजाज तरमीम छलांग लगाएं ए बी कोटी धनंजय का अगला जियो स्टूडियो के साथ है। सबसे पहले जनूबी 9 अप्रैल 2024 बाजार शुदा 7 मई 2024 कंटर विजय कर्नाटिक 14 मई 2024 को बाजार किया गया। बेवरो दी हिंदू 9 अप्रैल 2024 धनंजय की अगली फिल्म कूटी है जिसके हदायतकार परमेश्वर कंडगल हैं। हिंदू 14 मई 2024 को बाजार किया गया। बेवरो दी हिंदू 9 अप्रैल 2024 धनंजय की अगली फिल्म कूटी है जिसके हदायतकार परमेश्वर हैं। शारदा ए 29 मई 2023 खुशकिस्मती है कि मैं सिर्फ अपनी दूसरी फिल्म में धनंजय के साथ काम करूं। सिनेमा एक्सप्रेस 7 मई 2024 को बाजियाफ्त किया गया। श्रद्धा ए 11 अप्रैल 2023 परम स्टूडियोज़ के साथ कई प्रोजेक्ट्स के जियो ने बैंक रोल करने के लिए हाथ मिलाया। द न्यूज़ इंडियन एक्सप्रेस 7 मई 2024 को बाजियाफ्त किया गया। सर्वस एक्सप्रेस न्यूज़ 6 मई 2024 रमेश इंदिरा कोटी में मुखालफ का किरदार अदा करेंगे। द न्यूज़ इंडियन एक्सप्रेस 7 मई 2024 को बाजियाफ्त किया गया। खसूसियात सी ई 13 अप्रैल 2024 मैं चाहता हूँ कि सब आप में कोटी को दरियाफ्त करें। धनंजय सिनेमा एक्सप्रेस 7 मई 2024 को बाजियाफ्त किया गया। डाली धनंजय की कोटी 14 जून को रिलीज होगी। टाइम्स नाउ 15 अप्रैल 2024 बाजियाफ्त शुदा 7 मई 2024 बैरूनी रवाबत आखिरी तरमीम 9 दिन पहले के जरिए की गई मवाद के तहत दस्तयाब है जब तक कि दूसरी सूरत में नोट ना किया जाए।
رازداری کی پالیسی استعمال کرنے کی شرائط ڈیسک ٹاپ تلاش کریں دھننجایا اداکار آرٹیکل ٹاک زبان ڈاؤن لوڈ اترنا پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ تاہم انہوں نے زیادہ سنجیدگی سے کام کرنے اور ایک شوق تھیٹر گروپ میں شامل ہونے لگے جو جی فائر نامی ایک سینئر رمیشا کے نام سے ایک سینئر رمیشا آرٹسٹ کے طرف سے سربراہ اور ملازحہ کیا جرمنی میں جرمنی تھیٹر آرٹسٹ عیسائی اسٹگ کی طرف سے وہ بھی تسلیم شدہ اور میسر ایک ڈرامہ میں ان کی پرفارمنس میں سے ایک کے دوران انہیں مقبول کناڈا ڈائریکٹر گرو پاساد کی طرف سے تسلیم کیا گیا تھا اور ایک خصوصیت فلم میں ایک اہم کردار پیش کی گئی تھی اس طرح سینڈ رولر میں اپنے کیریئر شروع ہوا فلم کیریئر میں ترمیم اور عملے میں ترمیم عملے میں فلم علامہ کے پیشکش میں بھارت 47 بین الاقوامی فلم فیسٹیول 26 نومبر 2016 کوٹی ایک 2024 کی ہندوستانی کنٹر زبان گئی تھرلر ڈرامہ فلم ہے جس کی ہدایت کاری ڈیبیو کرنے والے پرم نے کی ہے اور اسے جیو اسٹوڈیوز کے بینر کے تحت جیوتی دیش پانڈے نے پروڈیوس کیا ہے اس فلم میں دھنجایا موشکا کشال رمیش اندرا رنگا یانا راگو اور تارا ہیں یہ کنٹر سنیما کے داخلے میں کو نشان زد کرتا ہے جیو اسٹوڈیوز فلم کی سینماٹوگرافی اور ارون بھرما نے پراتیک شیٹی نے ایڈٹ کی ہے اور بیک گراؤنڈ اسکور نوبن پال نے کیا ہے کوٹی پرم کی طرف سے ہدایت کاری پرم کی طرف سے پروڈیوسر جیوتی دیش پانڈے نے اداکاری کی دھنجایا موکشا کشال رمیش اندرا تارا رنگین راگو سینماٹوگرافی اور ارون بھرما نے ایڈٹ کیا پراتیک شیٹی میوزک بذریعہ گانوں واسوکی ویبھو بس منظر کا اسکور نوبن پال پیداوار کمپنیاں جیو اسٹوڈیوز وشنو اسٹوڈیوز کے آر جی اسٹوڈیوز کے ذریعے تقسیم کیا گیا تاریخ رہائی 14 جون 2024 وقت چل رہا ہے 170 منٹ زبان کنٹر یہ فلم 14 جون 2024 کو ریلیز ہونے والی ہے پلاٹ ترمیم اپنی بہن کی شادی اور بدعنوان جنتا شہر میں مستقبل کے لیے ایک ایماندار خوش قسمتی کی تلاش میں ایک سچا عام آدمی کوٹی طاقتور گینگ لیڈر ڈینم ساوکار کی مخالفت کرتا ہے جب کوٹی کے نافرمانی بڑھتے ہوئے قرضوں کا باعث بنتی ہے تو اسے ختم کرنے کے لیے زندگی کو بدلنے والے انتخاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے کاسٹ ترمیم دھنجایا بطور کوٹی موکش کشال بطور نومی رمیش اندرا بطور ڈینو ساوکر تارا کوٹی کی ماں کے طور پر رنگین راگو بطور رمنا پرتھوی شانہ نور بطور نچی کوٹی کی بہن کے طور پر تھانوجا ونکٹیش سردار ستیا بطور پربھاکر ابھیشیک شری کانت شیوا کے طور پر پیداوار ترمیم اپریل 2023 میں یہ اطلاع ملی تھی کہ پرم کنٹر ٹیلی ویژن میں ویا کوم 18 کنٹر کلسٹر کے بزنس ہیڈ کے طور پر اپنے کام کے لیے مشہور سلور سکرین پر انٹری دینے کے لیے تیار تھے اس نے اس کے لیے جیو اسٹوڈیوز کے ساتھ ہاتھ ملایا اور دھننجایا کو پروجیکٹ کو سرخی کے لیے چنا گیا اگرچہ ابتدائی طور پر عنوان کو لپیٹ دیا گیا دھننجایا نے غلطی سے اپنے ایک انٹرویو میں فلم کا نام ظاہر کیا اور جنہوں نے 2023 کے رومانٹک ڈرامے سپتا ساگر
द चे एलव में सामेन को मुतासर किया था, को फिल्म में मुखालफ के तौर पर कास्ट किया गया। फिल्म की शूटिंग बेंगलुरु और मैसूर में की गई थी। साउंडट्रैक कोटी साउंडट्रैक एल्बम बजरिया वासिफ की वैभव रिलीज शुदा 2024 रिकॉर्ड 2024 जनवरी साउंडट्रैक की लंबाई 18 लेबल सार गामा प्रोड्यूसर ज्योति देशपांडे वासिफ की वैभव की तारीख गारो पालिया 2023 कोटी 2024 यूट्यूब पर बैरूनी ऑडियो ऑफिशियल ऑडियो जोक बॉक्स। फिल्म के गाने वासिफ की वैभव ने तरतीब दिए हैं जबकि बैकग्राउंड स्कोर नोबिन पॉल का है। फिल्म के मौसीकी के हकूक सारे गामा ने हासिल किए थे। ट्रैक लिस्ट नंबर टाइटल के गाने की लंबाई माथो सोथो रिहाई तरमीम थ्रेटिकल तरमीम। फिल्म 14 जून 2024 को थिएटर में रिलीज के लिए तैयार है। हवाला एजाज तरमीम छलांग लगाएं ए बी कोटी धनंजाया का अगला जियो स्टूडियो के साथ है। सबसे पहले जनूबी 9 अप्रैल 2024 बाजियाफ्त शुदा 7 मई 2024 कंटर विजय कर्नाटिक 14 मई 2024 को बाजियाफ्त किया गया। बैवरो दी हिंदू 9 अप्रैल 2024 धनंजया की अगली फिल्म कूटी है जिसके हदायतकार परमेश्वर कंडगल हैं। हिंदू 14 मई 2024 को बाजियाफ्त किया गया। बैवरो दी हिंदू 9 अप्रैल 2024 धनंजया की अगली फिल्म कूटी है जिसके हदायतकार परमेश्वर हैं। शारदा ए 29 मई 2023 खुशकिस्मती है कि मैं सिर्फ अपनी दूसरी फिल्म में धनंजय के साथ काम करूं। सिनेमा एक्सप्रेस 7 मई 2024 को बाजियाफ्त किया गया। श्रद्धा ए 11 अप्रैल 2023 परम स्टूडियोज़ के साथ कई प्रोजेक्ट्स के जियो ने बैंक रोल करने के लिए हाथ मिलाया। द न्यूज़ इंडियन एक्सप्रेस 7 मई 2024 को बाजियाफ्त किया गया। सर्वस एक्सप्रेस न्यूज़ 6 मई 2024 रमेश इंदिरा कोटी में मुखालफ का किरदार अदा करेंगे। द न्यूज़ इंडियन एक्सप्रेस 7 मई 2024 को बाजियाफ्त किया गया। खसूसियात सी ई 13 अप्रैल 2024 मैं चाहता हूँ कि सब आप मेकूटी को दरियाफ्त करें। धनंजय सिनेमा एक्सप्रेस 7 मई 2024 को बाजियाफ्त किया गया। डाली धनंजया की कोटी 14 जून को रिलीज़ होगी। टाइम्स नाउ 15 अप्रैल 2024 बाजियाब शुदा 7 मई 2024 बैरूनी रवाबत आखिरी तरमीम 9 दिन पहले के ज़रिए की गई मवाद के तहत दस्तयाब है जब तक कि दूसरी सूरत में नोट ना किया जाए। राजदारी की पॉलिसी इस्तेमाल करने की शराय डेस्कटॉप तलाश करें। धनंजया अदाकार आर्टिकल टॉक जबान डाउनलोड अतरना पीडीएफ डाउनलोड। तहम उन्होंने ज़्यादा संजीदगी से काम करने और एक शोक थिएटर ग्रुप में शामिल होने लगे जो जी पायर नामी एक सीनियर रमेशा के नाम से एक सीनियर रमेशा आर्टिस्ट के तरफ से सरबराह और मुलाजहा किया। जर्मनी में जर्मनी थिएटर आर्टिस्ट ईसाई स्टक
की तरफ से वो भी तस्लीम शुदा और मैसर एक ड्रामा में इनकी परफॉर्मेंस में से एक के दौरान इन्हें मकबूल कनाडा डायरेक्टर गुरु प्रसाद की तरफ से तस्लीम किया गया था और एक खसूसियत फिल्म में एक अहम किरदार पेश की गई थी। इस तरह सैंड्रोलन में अपने करियर शुरू हुआ। फिल्म करियर में तरमीम और अमले में तरमीम। अमले में फिल्म इलामा के पेशकश में भारत 47 बैन अल-क़ौमी फिल्म फेस्टिवल 26 नवंबर 2016 41 2024 की हिंदुस्तानी कन्नड़ जबान के थ्रिलर ड्रामा फिल्म है जिसकी हदायतकारी डेब्यू करने वाले परम ने की है और इसे जेव स्टूडियोज़ के बैनर के तहत ज्योति देशपांडे ने प्रोड्यूस किया है। इस फिल्म में धनंजया मोक्षा कुशाल रमेश इंदिरा रंगायाना राघव और तारा हैं। ये कन्नड़ सिनेमा के दाखिले में को निशान जद करता है। जियो स्टूडियोज़ फिल्म की सिनेमाटोग्राफी और अरुण भरमा ने प्रतीक शेट्टी ने एडिट की है और बैकग्राउंड स्कोर नोबन पाल ने किया है। कोटी परम की तरफ से हदायतकारी परम की तरफ से प्रोड्यूसर ज्योति देशपांडे ने अदाकारी की। धनंजया मोक्षा कुशाल रमेश इंदिरा तारा रंगीन राघव सिनेमाटोग्राफी और अरुण भरमा ने एडिट किया। प्रतीक शेट्टी म्यूजिक बजरिया गानों वासोकी वैभव बस मंजर का स्कोर नोबन पाल पैदावार कंपनियां जियो स्टूडियोज़ विष्णव स्टूडियोज़ के आर जी स्टूडियोज़ के ज़रिए तकसीम किया गया। तारीख रिहाई 14 जून 2024 वक्त चल रहा है 170 मिनट जबान कंटर। ये फिल्म 14 जून 2024 को रिलीज़ होने वाली है। प्लॉट तरमीम अपनी बहन की शादी और बदउनवान जिंता शहर में मुस्तकबिल के लिए एक ईमानदार खुशकिस्मती की तलाश में एक सच्चा आम आदमी कोटी ताकतवर गैंग लीडर डैनम साहूकार की मुखालफत करता है। जब कोटी के नाफरमानी बढ़ते हुए कर्जों का बाइस बनती है तो इसे ख़त्म करने या ख़त्म करने के लिए ज़िंदगी को बदलने वाले इंतखाब का सामना करना पड़ता है। कास्ट तरमीम धनंजया बतौर कोटी मोकश किशाल बतौर नोमी रमेश इंदिरा बतौर डैनो साउकर तारा कुटी की मां के तौर पर रंगीन राघव बतौर रमना पृथ्वी शाना नूर बतौर निची कोटी की बहन के तौर पर थानुजा वेंकटेश सरदार सुखिया बतौर प्रभाकर अभिषेक श्रीकांत शिवा के तौर पर पैदावार तरमीम अप्रैल 2023 में ये इतला मिली थी कि परम कंटर टेलीविजन में वयाकुम 18 कंटर क्लस्टर के बिजनेस हेड के तौर पर अपने काम के लिए मशहूर सिल्वर स्क्रीन पर एंट्री देने के लिए तैयार थे। इसने इसके लिए जियो स्टूडियोज़ के साथ हाथ मिलाया और धनंजया को प्रोजेक्ट को सुर्खी के लिए चुना गया। अगरचे इब्तदाई तौर पर अनुमान को लपेट दिया गया धनंजया ने गलती से अपने एक इंटरव्यू में फिल्म का नाम जाहिर किया और जिन्होंने 2023 के रोमांटिक ड्रामे सप्ताह सागर दाचे एलव में सामेन को मुतासर किया था को फिल्म में मुखालफ के तौर पर कास्ट किया गया। फिल्म की शूटिंग बेंगलुरु और मैसूर में की गई थी। साउंडट्रैक कोटी साउंडट्रैक एल्बम बजरिया वासिफ की वैभव रिलीज शुदा 2024 रिकॉर्ड 2024 जनवरी साउंडट्रैक की लंबाई 18 लेबल सार गामा प्रोड्यूसर ज्योति देशपांडे वास्तव की वैभव की
तारीख गारोपालिया 2023 कोटी 2024 यूट्यूब पर बैरूनी ऑडियो ऑफिशियल ऑडियो जोक बॉक्स फिल्म के गाने वासिफ की वैभव ने तरतीब दिए हैं जबकि बैकग्राउंड स्कोर नोबिन पॉल का है। फिल्म के मौसीकी के हकूक सारे गामा ने हासिल किए थे। ट्रैक लिस्ट नंबर टाइटल के गाने की लंबाई माथो सोथो रिहाई तरमीम थ्रेटिकल तरमीम। फिल्म 14 जून 2024 को थिएटर में रिलीज के लिए तैयार है। हवाला एजाज तरमीम छलांग लगाएं ए बी कोटी धनंजया का अगला जियो स्टूडियो के साथ है। सबसे पहले जनूबी 9 अप्रैल 2024 बाजियाब शुदा 7 मई 2024 कंटर विजय कर्नाटिक 14 मई 2024 को बाजियाब किया गया। बैवरो दी हिंदू 9 अप्रैल 2024 धनंजया की अगली फिल्म कूटी है जिसके हदायतकार परमेश्वर कंडगल हैं। हिंदू 14 मई 2024 को बाजियाब किया गया। बैवरो दी हिंदू 9 अप्रैल 2024 धनंजया की अगली फिल्म कूटी है जिसके हदायतकार परमेश्वर हैं। शारदा ए 29 मई 2023 खुशकिस्मती है कि मैं सिर्फ अपनी दूसरी फिल्म में धनंजय के साथ काम करूं। सिनेमा एक्सप्रेस 7 मई 2024 को बाजियाब किया गया। श्रद्धा ए 11 अप्रैल 2023 परम स्टूडियोज के साथ कई प्रोजेक्ट्स के जियो ने बैंक रोल करने के लिए हाथ मिलाया। द न्यूज़ इंडियन एक्सप्रेस 7 मई 2024 को बाजियाब किया गया। सर्वस एक्सप्रेस न्यूज़ 6 मई 2024 रमेश इंदिरा कोटी में मुखालफ का किरदार अदा करेंगे। द न्यूज़ इंडियन एक्सप्रेस 7 मई 2024 को बाजियाब किया गया। खसूसियात सी ई 13 अप्रैल 2024 मैं चाहता हूँ कि सब आप में कोटी को दरियाफ्त करें। धनंजय सिनेमा एक्सप्रेस 7 मई 2024 को बाजियाफ्त किया गया। डाली धनंजया की कोटी 14 जून को रिलीज होगी। टाइम्स नाउ 15 अप्रैल 2024 बाजियाब शुदा 7 मई 2024 बैरूनी रवाबत आखिरी तरमीम 9 दिन पहले के जरिए की गई मवाद के तहत दस्तयाब है जब तक कि दूसरी सूरत में नोट ना किया जाए। राजदारी की पॉलिसी इस्तेमाल करने की शरायत डेस्कटॉप तलाश करें। धनंजया अदाकार आर्टिकल टॉक जबान डाउनलोड अतरना पीडीएफ डाउनलोड। तहम उन्होंने ज़्यादा संजीदगी से काम करने और एक शोक थिएटर ग्रुप में शामिल होने लगे जो जी पायर नामी एक सीनियर रमेशा के नाम से एक सीनियर रमेशा आर्टिस्ट के तरफ से सरबरा और मुलाजहा किया। जर्मनी में जर्मनी थिएटर आर्टिस्ट ईसाई स्टक की तरफ से वो भी तस्लीम शुदा और मैसर एक ड्रामा में इनके परफॉर्मेंस में से एक के दौरान इन्हें मकबूल कनाडा डायरेक्टर गुरु प्रसाद की तरफ से तस्लीम किया गया था और एक खसूसियत फिल्म में एक अहम किरदार पेश की गई थी। इस तरह सैंड्रोलन में अपने करियर शुरू हुआ। फिल्म करियर में तरमीम और अमले में तरमीम। अमले में फिल्म इलामा के पेशकश में भारत 47 बैन अल-क़ौमी फिल्म फेस्टिवल 26 नवंबर 2016।
1 2024 की हिंदुस्तानी कन्नड़ जबान गई थ्रिलर ड्रामा फिल्म है जिसकी हदायतकारी डेब्यू करने वाले परम ने की है और इसे जेव स्टूडियोज के बैनर के तहत ज्योति देशपांडे ने प्रोड्यूस किया है। इस फिल्म में धनंजया मोक्षा किशाल रमेश इंदिरा रंगायाना राघव और तारा हैं। ये कन्नड़ सिनेमा के दाखिले में को निशान जद करता है। जियो स्टूडियोज फिल्म की सिनेमाटोग्राफी अरुण भर्मा ने प्रतीक शेट्टी ने एडिट की है और बैकग्राउंड स्कोर नोबन पाल ने किया है। कोटी परम की तरफ से हदायतकारी परम की तरफ से प्रोड्यूसर ज्योति देशपांडे ने अदाकारी की। धनंजया मोक्षा कुशाल रमेश इंदिरा तारा रंगीन राघव सिनेमाटोग्राफी अरुण भर्मा ने एडिट किया। प्रतीक शेट्टी म्यूजिक बजरिया गानों वासोकी वैभव बस मंदिर का स्कोर नोबन पाल पैदावार कंपनियां जियो स्टूडियोज विष्णव स्टूडियोज के आर जियो स्टूडियोज के जरिए तकसीम किया गया। तारीख रिहाई 14 जून 2024 वक्त चल रहा है 170 मिनट जबान कंटर। ये फिल्म 14 जून 2024 को रिलीज होने वाली है। प्लॉट तरमीम अपनी बहन की शादी और बदउनवान जिंदा शहर में मुस्तकबिल के लिए एक ईमानदार खुशकिस्मती की तलाश में एक सच्चा आम आदमी कोटी ताकतवर गैंग लीडर डैनम साहूकार की मुखालफत करता है। जब कोटी के नाफरमानी बढ़ते हुए कर्जों का बाइस बनती है तो इसे ख़त्म करने के लिए जिंदगी को बदलने वाले इंतखाब का सामना करना पड़ता है। कास्ट तरमीम धनंजया बतौर कोटी मोकश किशाल बतौर नोमी रमेश इंदिरा बतौर डैनो सावकर तारा कुटी की मां के तौर पर रंगीन राघव बतौर रमना पृथ्वी शाना नूर बतौर निची कोटी की बहन के तौर पर थानुजा वेंकटेश सरदार सुखिया बतौर प्रभाकर अभिषेक श्रीकांत शिवा के तौर पर पैदावार तरमीम। अप्रैल 2023 में ये इतला मिली थी कि परम कंटर टेलीविजन में वयाकोम 18 कंटर क्लस्टर के बिजनेस हेड के तौर पर अपने काम के लिए मशहूर सिल्वर स्क्रीन पर एंट्री देने के लिए तैयार थे। इसने इसके लिए जियो स्टूडियोज के साथ हाथ मिलाया और धनंजया को प्रोजेक्ट को सुर्खी के लिए चुना गया। अगरचे इब्तदाई तौर पर अनुमान को लपेट दिया गया धनंजया ने गलती से अपने एक इंटरव्यू में फिल्म का नाम जाहिर किया और जिन्होंने 2023 के रोमांटिक ड्रामे सप्ताह सागर दाचे एलव में सामेन को मुतासर किया था को फिल्म में मुखालफ के तौर पर कास्ट किया गया। फिल्म की शूटिंग बेंगलुरु और मैसूर में की गई थी। साउंडट्रैक कोटी साउंडट्रैक एल्बम बजरिया वासिफ की वैभव रिलीज शुदा 2024 रिकॉर्ड 2024 जनवरी साउंडट्रैक की लंबाई 18 लेबल सार गामा प्रोड्यूसर ज्योति देशपांडे वैभव की तारीख तगारो पालिया 2023 कोटी 2024 यूट्यूब पर बैरूनी ऑडियो ऑफिशियल ऑडियो जोक बॉक्स। फिल्म के गाने वासिफ की वैभव ने तरतीब दिए हैं जबकि बैकग्राउंड स्कोर नोबन पाल का है। फिल्म के मौसीकी के हकूक सारे गामा ने हासिल किए थे। ट्रैक लिस्ट नंबर टाइटल के गाने की लंबाई
माथव सोथो रिहाई तरमीम थ्रेटिकल तरमीम फिल्म 14 जून 2024 को थिएटर में रिलीज के लिए तैयार है। हवाला एजाज तरमीम छलांग लगाएं ए बी कोटी धनंजया का अगला जियो स्टूडियो के साथ है। सबसे पहले जनूबी 9 अप्रैल 2024 बाजार शुदा 7 मई 2024 कंटर विजय कर्नाटिक 14 मई 2024 को बाजार किया गया। बेवरो दी हिंदू 9 अप्रैल 2024 धनंजया की अगली फिल्म कूटी है जिसके हदायतकार परमेश्वर कंडगल हैं। हिंदू 14 मई 2024 को बाजार किया गया। बेवरो दी हिंदू 9 अप्रैल 2024 धनंजया की अगली फिल्म कूटी है जिस के हदायतकार परमेश्वर हैं। शारदा ए 29 मई 2023 खुशकिस्मती है कि मैं सिर्फ अपनी दूसरी फिल्म में धनंजय के साथ काम करूं। सिनेमा एक्सप्रेस 7 मई 2024 को बाजार किया गया। श्रद्धा ए 11 अप्रैल 2023 परम स्टूडियोज के साथ कई प्रोजेक्ट्स के जियो ने बैंक रोल करने के लिए हाथ मिलाया। द न्यूज इंडियन एक्सप्रेस 7 मई 2024 को बाजार किया गया। सर्वस एक्सप्रेस न्यूज 6 मई 2024 रमेश इंदिरा कोटी में मुखालफ का किरदार अदा करेंगे। द न्यूज इंडियन एक्सप्रेस 7 मई 2024 को बाजार किया गया। खसूसियात सी ई 13 अप्रैल 2024 मैं चाहता हूँ कि सब आप में कोटी को दरियाफ्त करें। धनंजय सिनेमा एक्सप्रेस 7 मई 2024 को बाजार किया गया। डाली धनंजया की कोटी 14 जून को रिलीज होगी। टाइम्स नाउ 15 अप्रैल 2024 बाजार शुदा 7 मई 2024 बैरूनी रवाबत आखिरी तरमीम 9 दिन पहले के जरिए की गई मवाद के तहत दस्तयाब है जब तक कि दूसरी सूरत में नोट ना किया जाए। राजदारी की पॉलिसी इस्तेमाल करने की शराय डेस्कटॉप तलाश करें। धनंजया अदाकार आर्टिकल टॉक जबान डाउनलोड अतरना पीडीएफ डाउनलोड तहम उन्होंने ज़्यादा संजीदगी से काम करने और एक शोक थिएटर ग्रुप में शामिल होने लगे जो जी पायर नामी एक सीनियर रमेशा के नाम से एक सीनियर रमेशा आर्टिस्ट के तरफ से सरबरा और मुलाजहा किया। जर्मनी में जर्मनी थिएटर आर्टिस्ट ईसाई स्टक की तरफ से वो भी तस्लीम शुदा और मैसर एक ड्रामा में इनकी परफॉर्मेंस में से एक के दौरान इन्हें मकबूल कनाडा डायरेक्टर गुरु प्रसाद की तरफ से तस्लीम किया गया था और एक खसूसियत फिल्म में एक अहम किरदार पेश की गई थी। इस तरह सैंड्रोलन में अपने करियर शुरू हुआ। फिल्म करियर में तरमीम और अमले में तरमीम। अमले में फिल्म इलामा के पेशकश में भारत 47 बैन अल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल 26 नवंबर 2016 41/2024 की हिंदुस्तानी कन्नड़ जबान की थ्रिलर ड्रामा फिल्म है जिसकी हदायतकारी डेब्यू करने वाले परम ने की है और इसे जेव स्टूडियोज़ के बैनर के तहत ज्योति देशपांडे ने प्रोड्यूस किया है। इस फिल्म में धनंजया मोक्षा कुशाल रमेश इंदिरा रंगायना राघव और तारा हैं। ये कन्नड़ सिनेमा के दाखिले में को निशान जद करता है। जियो स्टूडियोज़ फिल्म की सिनेमाटोग्राफी और अरुण भरमा ने प्रतीक शेट्टी ने एडिट की है और बैकग्राउंड स्कोर नोबन पाल ने किया है।
कोटी परम की तरफ से हदायतकारी, परम की तरफ से प्रोड्यूसर ज्योति देशपांडे ने अदाकारी की। धनंजया, मोक्षा कुशाल, रमेश इंदिरा, तारा, रंगीन राघव। सिनेमाटोग्राफी अरुण भर्मा ने एडिट किया, प्रतीक शेट्टी म्यूजिक, बजरिया गानों। वासोकी, वैभव बस मंदिर का स्कोर नोबन पाल। पैदावार कंपनियां जियो स्टूडियोज, विष्णव स्टूडियोज के आर जी स्टूडियोज के जरिए तकसीम किया गया। तारीख़ रिहाई 14 जून 2024। वक्त चल रहा है 170 मिनट। जुबान कंटर, ये फिल्म 14 जून 2024 को रिलीज़ होने वाली है। प्लॉट तरमीम, अपनी बहन की शादी और बदउनवान जिंता शहर में मुस्तकबिल के लिए एक ईमानदार खुशकिस्मती की तलाश में एक सच्चा आम आदमी कोटी ताकतवर गैंग लीडर डैनम साहूकार की मुखालफत करता है। जब कोटी के नाफरमानी बढ़ते हुए कर्जों का बाइस बनती है तो इसे ख़त्म करने के लिए ज़िंदगी को बदलने वाले इंतखाब का सामना करना पड़ता है। कास्ट तरमीम, धनंजया बतौर कोटी, मोक्ष किशाल बतौर नोमी, रमेश इंदिरा बतौर डैनो साउकर, तारा कुटी की मां के तौर पर रंगीन राघव बतौर रमना पृथ्वी, शाना नूर बतौर निची, कोटी की बहन के तौर पर थानुजा वेंकटेश, सरदार सुखिया बतौर प्रभाकर, अभिषेक श्रीकांत शिवा के तौर पर। पैदावार तरमीम, अप्रैल 2023 में ये इतला मिली थी कि परम कंटर टेलीविजन में वया कोम 18 कंटर क्लस्टर के बिजनेस हेड के तौर पर अपने काम के लिए मशहूर सिल्वर स्क्रीन पर एंट्री देने के लिए तैयार थे। इसने इसके लिए जियो स्टूडियोज़ के साथ हाथ मिलाया और धनंजया को प्रोजेक्ट को सुर्खी के लिए चुना गया। अगरचे इब्तदाई तौर पर अनुमान को लपेट दिया गया, धनंजया ने गलती से अपने एक इंटरव्यू में फिल्म का नाम जाहिर किया और जिन्होंने 2023 के रोमांटिक ड्रामे सप्ताह सागर दाचे एलव में सामेन को मुतासर किया था को फिल्म में मुखालफ के तौर पर कास्ट किया गया। फिल्म की शूटिंग बेंगलुरु और मैसूर में की गई थी। साउंडट्रैक कोटी साउंडट्रैक एल्बम बजरिया वासिफ की वैभव रिलीज शुदा 2024 रिकॉर्ड 2024 जनवरी। साउंडट्रैक की लंबाई 18, लेबल सार गामा, प्रोड्यूसर ज्योति देशपांडे, वैभव की तारीख तगारो पालिया 2023 कोटी 2024 यूट्यूब पर बैरूनी ऑडियो ऑफिशियल ऑडियो जोक बॉक्स। फिल्म के गाने वासिफ की वैभव ने तरतीब दिए हैं जबकि बैकग्राउंड स्कोर नोबन पॉल का है। फिल्म के मौसीकी के हकूक सारे गामा ने हासिल किए थे। ट्रैक लिस्ट नंबर, टाइटल के गाने की लंबाई माथो सोथो, रिहाई तरमीम थ्रेटिकल तरमीम। फिल्म 14 जून 2024 को थिएटर में रिलीज के लिए तैयार है। हवाला एजाज तरमीम, छलांग लगाएं, ए बी कोटी धनंजया का अगला जियो स्टूडियो के साथ है। सबसे पहले जनूबी 9 अप्रैल 2024 बाजार शुदा 7 मई 2024। कंटर विजय कर्नाटक 14 मई 2024 को बाजार किया गया।
ਬੈਵਰੋ ਦੀ ਹਿੰਦੂ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਧਨੰਜਾਇਆ ਕੀ ਅਗਲੀ ਫਿਲਮ ਕੂਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕੇ ਹਦਾਇਤਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੰਡਗਲ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ 14 ਮਈ 2024 ਕੋ ਬਰਜਾਸਤ ਕੀਆ ਗਿਆ। ਬੈਵਰੋ ਦੀ ਹਿੰਦੂ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਧਨੰਜਾਇਆ ਕੀ ਅਗਲੀ ਫਿਲਮ ਕੂਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕੇ ਹਦਾਇਤਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਸ਼ਾਰਦਾ ਇਹ 29 ਮਈ 2023 ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੀ ਫਿਲਮ ਮੈਂ ਧਨੰਜੇ ਕੇ ਸਾਥ ਕਾਮ ਕਰੂੰ। ਸਿਨੇਮਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ 7 ਮਈ 2024 ਕੋ ਬਰਜਾਸਤ ਕੀਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਰਧਾ ਇਹ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਪਰਮ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਕੇ ਸਾਥ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਕੇ ਜੀਓ ਨੇ ਬੈਂਕ ਰੋਲ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਹਾਥ ਮਿਲਾਇਆ। ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ 7 ਮਈ 2024 ਕੋ ਬਰਜਾਸਤ ਕੀਆ ਗਿਆ। ਸਰਵਿਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਿਊਜ਼ 6 ਮਈ 2024 ਰਮੇਸ਼ ਇੰਦਰਾ ਕੂਟੀ ਮੇਂ ਮੁਖਾਲਫ ਕਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰੇਂਗੇ। ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ 7 ਮਈ 2024 ਕੋ ਬਰਜਾਸਤ ਕੀਆ ਗਿਆ। ਖਸੂਸੀਆਤ ਸੀ ਈ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਮੈਂ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਸਭ ਆਪ ਮੇਂ ਕੋਟੀ ਕੋ ਦਰਿਆਫ ਕਰੇਂ। ਧਨੰਜੇ ਸਿਨੇਮਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ 7 ਮਈ 2024 ਕੋ ਬਰਜਾਸਤ ਕੀਆ ਗਿਆ। ਡਾਲੀ ਨੰਜਾਇਆ ਕੀ ਕੋਟੀ 14 ਜੂਨ ਕੋ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਗੀ। ਟਾਈਮਸ ਨਾਓ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਬਾਜ਼ਿਆਬ ਸ਼ੁਦਾ 7 ਮਈ 2024 ਬੈਰੂਨੀ ਰਵਾਬਤ ਆਖਰੀ ਤਰਮੀਮ 9 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀ ਗਈ ਮਵਾਦ ਕੇ ਤਹਿਤ ਦਸਤਿਆਬ ਹੈ ਜਬ ਤੱਕ ਕਿ ਦੂਜੀ ਸੂਰਤ ਮੇਂ ਨੋਟ ਨਾ ਕੀਆ ਜਾਏ। ਰਾਜਦਾਰੀ ਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਕੀ ਸ਼ਰਾਇਤ ਡੈਸਕਟੋਪ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੇਂ। ਧਨੰਜਾਇਆ ਅਦਾਕਾਰ ਆਰਟੀਕਲ ਟਾਕ ਜ਼ਬਾਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਅਤਰਨਾ PDF ਡਾਊਨਲੋਡ ਤਾਹਮ ਉਨ੍ਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਜੀਦਗੀ ਸੇ ਕਾਮ ਕਰਨੇ ਔਰ ਏਕ ਸ਼ੋਕ ਥੀਏਟਰ ਗਰੁੱਪ ਮੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣੇ ਲਗੇ ਜੋ ਜੀ ਪਾਇਰ ਨਾਮੀ ਏਕ ਸੀਨੀਅਰ ਰਮੇਸ਼ਾ ਕੇ ਨਾਮ ਸੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਰਮੇਸ਼ਾ ਆਰਟਿਸਟ ਕੇ ਤਰਫ ਸੇ ਸਰਬਰਾਹ ਔਰ ਮੁਲਾਜ਼ਹਾ ਕੀਆ। ਜਰਮਨੀ ਮੇਂ ਜਰਮਨੀ ਥੀਏਟਰ ਆਰਟਿਸਟ ਈਸਾਈ ਸਟਕ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਵੋ ਵੀ ਤਸਲੀਮ ਸ਼ੁਦਾ ਔਰ ਮਯਸਰ ਏਕ ਡਰਾਮਾ ਮੇਂ ਇਨਕੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਮੇਂ ਸੇ ਏਕ ਕੇ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹੇ ਮਕਬੂਲ ਕਨਾਡਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਤਸਲੀਮ ਕੀਆ ਗਿਆ ਥਾ ਔਰ ਏਕ ਖਸੂਸੀਅਤ ਫਿਲਮ ਮੇਂ ਏਕ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀ ਗਈ ਥੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਂਡਰੋਲਨ ਮੇਂ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁਆ। ਫਿਲਮ ਕਰੀਅਰ ਮੇਂ ਤਰਮੀਮ ਔਰ ਅਮਲੇ ਮੇਂ ਤਰਮੀਮ ਅਮਲੇ ਮੇਂ ਫਿਲਮ ਇਲਾਮਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਮੇਂ ਭਾਰਤ 47 ਬੈਨ ਅਲਕਵਾਮੀ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ 26 ਨਵੰਬਰ 2016 ਕੋਟੀ ਏਕ 2024 ਕੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਕੰਟਰ ਜ਼ਬਾਨ ਗਈ ਥ੍ਰਿਲਰ ਡਰਾਮਾ ਫਿਲਮ ਹੈ ਜਿਸ ਕੀ ਹਦਾਇਤਕਾਰੀ ਡੈਬਿਊ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਪਰਮ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਜੇਬ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਕੇ ਬੈਨਰ ਕੇ ਤਹਿਤ ਜਿਓਤੀ ਦੇਸ਼ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਮੇਂ ਧਨੰਜਾਇਆ, ਮੋਸ਼ਕਾ ਕੁਸ਼ਾਲ, ਰਮੇਸ਼ ਇੰਦਰਾ, ਰੰਗਾਯਾਨਾ ਰਾਘਵ ਔਰ ਤਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਟਰ ਸਿਨੇਮਾ ਕੇ ਦਾਖਲੇ ਮੇਂ ਕੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜ਼ਦ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਜੀਓ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਫਿਲਮ ਕੀ ਸਿਨੇਮਾਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਔਰ ਅਰੁਣ ਭਰਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸ਼ੇਟੀ ਨੇ ਐਡਿਟ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਸਕੋਰ ਨੋਬਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕੀਆ ਹੈ। ਕੋਟੀ ਪਰਮ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਹਦਾਇਤਕਾਰੀ, ਪਰਮ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ, ਜਯੋਤੀ ਦੇਸ਼ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕੀ। ਧਨੰਜਾਇਆ, ਮੋਕਸ਼ਾ ਕੁਸ਼ਾਲ, ਰਮੇਸ਼ ਇੰਦਰਾ, ਤਾਰਾ, ਰੰਗੀਨ ਰਾਘਵ ਸਿਨੇਮਾਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਔਰ ਅਰੁਣ ਭਰਮਾ ਨੇ ਐਡਿਟ ਕੀਆ। ਪ੍ਰਤੀਕ ਸ਼ੇਟੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਬਜਰੀਆ ਗਾਨੋ, ਵਾਸੋਕੀ ਵੈਭਵ, ਬਸ ਮੰਦਰ ਕਾ ਸਕੋਰ ਨੋਬਨ ਪਾਲ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੀਓ ਸਟੂਡੀਓਜ਼, ਵਿਸ਼ਨਵ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਕੇ ਆਰ ਜੀ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਕੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤਕਸੀਮ ਕੀਆ ਗਿਆ। ਤਾਰੀਖ ਰਿਹਾਈ
14 जून 2024 वक्त चल रहा है 170 मिनट जबान कंटर। ये फिल्म 14 जून 2024 को रिलीज होने वाली है। प्लॉट तरमीम अपनी बहन की शादी और बदउनवान जिंता शहर में मुस्तकबिल के लिए एक ईमानदार खुशकिस्मती की तलाश में एक सच्चा आम आदमी कोटी ताकतवर गैंग लीडर डैनम साहूकार की मुखालफत करता है। जब कोटी के नाफरमानी बढ़ते हुए कर्जों का बाइस बनती है तो इसे ख़त्म करने के लिए ज़िंदगी को बदलने वाले इंतखाब का सामना करना पड़ता है। कास्ट तरमीम धनंजया बतौर कोटी, मोक्ष किशाल बतौर नोमी, रमेश इंदिरा बतौर डैनू साहूकर, तारा कुटी की मां के तौर पर रंगीन राघव बतौर रमना पृथ्वी, शाना नूर बतौर निची, कोटी की बहन के तौर पर थानुजा वेंकटेश, सरदार सुखिया बतौर प्रभाकर, अभिषेक श्रीकांत शिवा के तौर पर पैदावार तरमीम। अप्रैल 2023 में ये इतला मिली थी कि परम कंटर टेलीविजन में वयाकुम 18 कंटर क्लस्टर के बिजनेस हेड के तौर पर अपने काम के लिए मशहूर सिल्वर स्क्रीन पर एंट्री देने के लिए तैयार थे। इसने इसके लिए जियो स्टूडियोज के साथ हाथ मिलाया और धनंजया को प्रोजेक्ट को सुर्खी के लिए चुना गया। अगरचे इब्तदाई तौर पर अनुमान को लपेट दिया गया, धनंजया ने गलती से अपने एक इंटरव्यू में फिल्म का नाम जाहिर किया और जिन्होंने 2023 के रोमांटिक ड्रामे सप्ताह सागर दाचे एलव में सामेन को मुतासर किया था को फिल्म में मुखालफ के तौर पर कास्ट किया गया। फिल्म की शूटिंग बेंगलुरु और मैसूर में की गई थी। साउंडट्रैक कोटी साउंडट्रैक एल्बम मजरिया वासिफ की वैभव रिलीज शुदा 2024 रिकॉर्ड 2024 जनवरी साउंडट्रैक की लंबाई 18 लेबल सार गामा प्रोड्यूसर ज्योति देशपांडे वैभव की तारीख गारो पालिया 2023 कोटी 2024 यूट्यूब पर बैरूनी ऑडियो ऑफिशियल ऑडियो जोक बॉक्स। फिल्म के गाने वासिफ की वैभव ने तरतीब दिए हैं जबकि बैकग्राउंड स्कोर नोबिन पॉल का है। फिल्म के मौसीकी के हकूक सारे गामा ने हासिल किए थे। ट्रैक लिस्ट नंबर टाइटल के गाने की लंबाई माथो सोथो रिहाई तरमीम थ्रेटिकल तरमीम। फिल्म 14 जून 2024 को थिएटर में रिलीज के लिए तैयार है। हवाला एजाज तरमीम छलांग लगाएं ए बी कोटी धनंजया का अगला जियो स्टूडियो के साथ है। सबसे पहले जनूबी 9 अप्रैल 2024 बाजार शुदा 7 मई 2024 कंटर विजय कर्नाटक 14 मई 2024 को बाजार किया गया। बेवरो दी हिंदू 9 अप्रैल 2024 धनंजया की अगली फिल्म कूटी है जिसके हदायतकार परमेश्वर कंडगल हैं। हिंदू 14 मई 2024 को बाजार किया गया। बेवरो दी हिंदू 9 अप्रैल 2024 धनंजया की अगली फिल्म कूटी है जिसके हदायतकार परमेश्वर हैं। शारदा ए
31 मई 2023 खुशकिस्मती है कि मैं सिर्फ अपनी दूसरी फिल्म में धनंजय के साथ काम करूं। सिनेमा एक्सप्रेस 7 मई 2024 को बाज़याफ्त किया गया। श्रद्धा ए 11 अप्रैल 2023 परम स्टूडियोज़ के साथ कई प्रोजेक्ट्स के जियो ने बैंक रोल करने के लिए हाथ मिलाया। द न्यूज़ इंडियन एक्सप्रेस 7 मई 2024 को बाज़याफ्त किया गया। सर्वस एक्सप्रेस न्यूज़ 6 मई 2024 रमेश इंदिरा कोटी में मुखालफ का किरदार अदा करेंगे। द न्यूज़ इंडियन एक्सप्रेस 7 मई 2024 को बाज़याफ्त किया गया। खसूसियात सी ई 13 अप्रैल 2024 मैं चाहता हूँ कि सब आप में कोटी को दरियाफ्त करें। धनंजय सिनेमा एक्सप्रेस 7 मई 2024 को बाज़याफ्त किया गया। डाली धनंजाया की कोटी 14 जून को रिलीज होगी। टाइम्स नाउ 15 अप्रैल 2024 बाज़याफ्त शुदा 7 मई 2024 बैरूनी रवाबत आखिरी तरमीम 9 दिन पहले के जरिए की गई मवाद के तहत दस्तयाब है जब तक कि दूसरी सूरत में नोट ना किया जाए। राजदारी की पॉलिसी इस्तेमाल करने की शराय डेस्कटॉप तलाश करें। धनंजया अदाकार आर्टिकल टॉक जबान डाउनलोड अतरना पीडीएफ डाउनलोड। तहम उन्होंने ज़्यादा संजीदगी से काम करने और एक शोक थिएटर ग्रुप में शामिल होने लगे जो जी फायर नामी एक सीनियर रमेशा के नाम से एक सीनियर रमेशा आर्टिस्ट के तरफ से सरबरा और मुलाजहा किया। जर्मनी में जर्मनी थिएटर आर्टिस्ट ईसाई स्टग की तरफ से वो भी तस्लीम शुदा और मैसर एक ड्रामा में इनकी परफॉर्मेंस में से एक के दौरान इन्हें मकबूल कनाडा डायरेक्टर गुरु प्रसाद की तरफ से तस्लीम किया गया था और एक खसूसियत फिल्म में एक अहम किरदार पेश की गई थी। इस तरह सैंड्रोलन में अपने करियर शुरू हुआ। फिल्म करियर में तरमीम और अमले में फिल्म इलामा के पेशकश में भारत 47 बैन अल-क़ौमी फिल्म फेस्टिवल 26 नवंबर 2016 41/2024 की हिंदुस्तानी कन्नड़ जबान की थ्रिलर ड्रामा फिल्म है जिसकी हदायतकारी डेब्यू करने वाले परम ने की है और इसे जेव स्टूडियोज़ के बैनर के तहत ज्योति देशपांडे ने प्रोड्यूस किया है। इस फिल्म में धनंजया मोक्षा कुशाल रमेश इंदिरा रंगायना राघव और तारा हैं। ये कन्नड़ सिनेमा के दाखिले में को निशान जद करता है। जियो स्टूडियोज़ फिल्म की सिनेमाटोग्राफी अरुण भरमा ने प्रतीक शेट्टी ने एडिट की है और बैकग्राउंड स्कोर नोबिन पाल ने किया है। कोटी परम की तरफ से हदायतकारी परम की तरफ से प्रोड्यूसर ज्योति देशपांडे ने अदाकारी की। धनंजया मोक्षा कुशाल रमेश इंदिरा तारा रंगीन राघव सिनेमाटोग्राफी अरुण भरमा ने एडिट किया। प्रतीक शेट्टी म्यूजिक बजरिया गानों वासोकी वैभव बस मंजर का स्कोर नोबन पाल पैदावार कंपनियां जियो स्टूडियोज विष्णव स्टूडियोज के आर जी स्टूडियोज के जरिए तकसीम किया गया। तारीख रिहाई 14 जून 2024 वक्त चल रहा है 170 मिनट जबान कंटर। ये फिल्म 14 जून 2024 को रिलीज़ होने वाली है। प्लॉट तरमीम अपनी बहन की शादी और बदउनवान जिंदा शहर में मुस्तकबिल के लिए एक ईमानदार खुशकिस्मती की तलाश में एक सच्चा आम आदमी कोटी ताकतवर गैंग लीडर डैनम साहूकार की मुखालफत करता है।
जब कोटी के नाफरमानी बढ़ते हुए कर्जों का बाइस बनती है तो इसे ख़त्म करने या ख़त्म करने के लिए ज़िंदगी को बदलने वाले इंतखाब का सामना करना पड़ता है। कास्ट तरमीम धनंजया बतौर कोटी, मोक्ष किशाल बतौर नोमी, रमेश इंदिरा बतौर डैनो सावकर, तारा कुटी की माँ के तौर पर रंगीन राघव बतौर रमना पृथ्वी, शाना नूर बतौर निची, कोटी की बहन के तौर पर थानुजा वेंकटेश, सरदार सुखिया बतौर प्रभाकर, अभिषेक श्रीकांत, शिवा के तौर पर पैदावार तरमीम। अप्रैल 2023 में ये इतला मिली थी कि परम कंटर टेलीविजन में वयाकुम 18 कंटर क्लस्टर के बिजनेस हेड के तौर पर अपने काम के लिए मशहूर सिल्वर स्क्रीन पर एंट्री देने के लिए तैयार थे। इसने इसके लिए जियो स्टूडियोज़ के साथ हाथ मिलाया और धनंजया को प्रोजेक्ट को सुर्खी के लिए चुना गया। अगरचे इब्तदाई तौर पर अनुमान को लपेट दिया गया, धनंजया ने गलती से अपने एक इंटरव्यू में फिल्म का नाम जाहिर किया और जिन्होंने 2023 के रोमांटिक ड्रामे सप्ता सागर दाचे एलव में सामेन को मुतासर किया था को फिल्म में मुखालफ के तौर पर कास्ट किया गया। फिल्म की शूटिंग बेंगलुरु और मैसूर में की गई थी। साउंडट्रैक कोटी साउंडट्रैक एल्बम बजरिया वासिफ की वैभव रिलीज शुदा 2024 रिकॉर्ड 2024 जनवरी साउंडट्रैक की लंबाई 18 लेबल सार गामा प्रोड्यूसर ज्योति देशपांडे वासव की वैभव की तारीख तगारो पालिया 2023 कोटी 2024 यूट्यूब पर बैरूनी ऑडियो ऑफिशियल ऑडियो जोक बॉक्स फिल्म के गाने वासिफ की वैभव ने तरतीब दिए हैं जबकि बैकग्राउंड स्कोर नोबिन पॉल का है। फिल्म के मौसीकी के हकूक सारे गामा ने हासिल किए थे। ट्रैक लिस्ट नंबर टाइटल के गाने की लंबाई माथो सोथो रिहाई तरमीम थ्रेटिकल तरमीम। फिल्म 14 जून 2024 को थिएटर में रिलीज के लिए तैयार है। हवाला एजाज तरमीम छलांग लगाएं ए बी कोटी धनंजया का अगला जियो स्टूडियो के साथ है। सबसे पहले जनूबी 9 अप्रैल 2024 बाजियाफ्त शुदा 7 मई 2024 कंटर विजय कर्नाटिक 14 मई 2024 को बाजियाफ्त किया गया। बैवरो दी हिंदू 9 अप्रैल 2024 धनंजया की अगली फिल्म कूटी है जिसके हदायतकार परमेश्वर कंडगल हैं। हिंदू 14 मई 2024 को बाजियाफ्त किया गया। बैवरो दी हिंदू 9 अप्रैल 2024 धनंजया की अगली फिल्म कूटी है जिस के हदायतकार परमेश्वर हैं। शारदा ए 29 मई 2023 खुशकिस्मती है कि मैं सिर्फ अपनी दूसरी फिल्म में धनंजय के साथ काम करूं। सिनेमा एक्सप्रेस 7 मई 2024 को बाजियाफ्त किया गया। श्रद्धा ए 11 अप्रैल 2023 परम स्टूडियोज़ के साथ कई प्रोजेक्ट्स के जियो ने बैंक रोल करने के लिए हाथ मिलाया। द न्यूज़ इंडियन एक्सप्रेस 7 मई 2024 को बाजियाफ्त किया गया।
सर्वस एक्सप्रेस न्यूज़ 6 मई 2024 रमेश इंदिरा कोटी में मुखालफ का किरदार अदा करेंगे। द न्यूज़ इंडियन एक्सप्रेस 7 मई 2024 को बाजियाफ्त किया गया। खसूसियात सी 13 अप्रैल 2024 मैं चाहता हूँ कि सब आप मेकूटी को दरियाफ्त करें। धनंजय सिनेमा एक्सप्रेस 7 मई 2024 को बाजियाफ्त किया गया। डाली धनंजया की कोटी 14 जून को रिलीज होगी। टाइम्स नाउ 15 अप्रैल 2024 बाजियाब शुदा 7 मई 2024 बैरूनी रवाबत आखिरी तरमीम 9 दिन पहले के जरिए की गई मवाद के तहत दस्तयाब है जब तक कि दूसरी सूरत में नोट ना किया जाए। राजदारी की पॉलिसी इस्तेमाल करने की शराय डेस्कटॉप तलाश करें। धनंजय अदाकार आर्टिकल टॉक जबान डाउनलोड अतरना पीडीएफ डाउनलोड। तहम उन्होंने ज़्यादा संजीदगी से काम करने और एक शोक थिएटर ग्रुप में शामिल होने लगे जो जी पायर नामी एक सीनियर रमेशा के नाम से एक सीनियर रमेशा आर्टिस्ट के तरफ से सरबरा और मुलाजहा किया। जर्मनी में जर्मनी थिएटर आर्टिस्ट ईसाई स्टक की तरफ से वो भी तस्लीम शुदा और मैसर एक ड्रामा में इनकी परफॉर्मेंस में से एक के दौरान इन्हें मकबूल कनाडा डायरेक्टर गुरु प्रसाद की तरफ से तस्लीम किया गया था और एक खसूसियत फिल्म में एक अहम किरदार पेश की गई थी। इस तरह सैंड्रोलन में अपने करियर शुरू हुआ। फिल्म करियर में तरमीम और अमले में तरमीम। अमले में फिल्म इलामा के पेशकश में भारत 47 बैन अल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल 26 नवंबर 2016 2024 की हिंदुस्तानी कन्नड़ जबान की थ्रिलर ड्रामा फिल्म है जिसकी हदायतकारी डेब्यू करने वाले परम ने की है और इसे जेव स्टूडियोज़ के बैनर के तहत ज्योति देशपांडे ने प्रोड्यूस किया है। इस फिल्म में धननजय मोक्षा कुशल रमेश इंदिरा रंगायना राघव और तारा हैं। ये कन्नड़ सिनेमा के दाखिले में को निशान जद करता है। जियो स्टूडियोज़ फिल्म की सिनेमाटोग्राफी और अरुण भरमा ने प्रतीक शेट्टी ने एडिट की है और बैकग्राउंड स्कोर नोबन पाल ने किया है। कोटी परम की तरफ से हदायतकारी परम की तरफ से प्रोड्यूसर ज्योति देशपांडे ने अदाकारी की। धननजय मोक्षा कुशल रमेश इंदिरा तारा रंगीन राघव सिनेमाटोग्राफी और अरुण भरमा ने एडिट किया। प्रतीक शेट्टी म्यूजिक बजरिया गानों वासोकी वैभव बस मंजर का स्कोर नोबन पाल। पैदावार कंपनियां जियो स्टूडियोज़ विष्णव स्टूडियोज़ के आर जी स्टूडियोज़ के जरिए तकसीम किया गया। तारीख रिहाई 14 जून 2024 वक्त चल रहा है 170 मिनट जबान कंटर। ये फिल्म 14 जून 2024 को रिलीज़ होने वाली है। प्लॉट तरमीम अपनी बहन की शादी और बदउनवान जिंता शहर में मुस्तकबिल के लिए एक ईमानदार खुशकिस्मती की तलाश में एक सच्चा आम आदमी कोटी ताकतवर गैंग लीडर डैनम साहूकार की मुखालफत करता है। जब कोटी के नाफरमानी बढ़ते हुए कर्जों का बाइस बनती है तो इसे ख़त्म करने के लिए ज़िंदगी को बदलने वाले इंतखाब का सामना करना पड़ता है। कास्ट तरमीम धननजय बतौर कोटी मोक्ष कुशल बतौर नोमी रमेश इंदिरा बतौर डैनो साहूकर तारा कुटी की मां के तौर पर रंगीन राघव बतौर रमना पृथ्वी
शाना नूर बतौर निची, कोटी की बहन के तौर पर थानुजा, वेंकटेश सरदार सुखिया बतौर प्रभाकर, अभिषेक श्रीकांत शिवा के तौर पर पैदावार तरमीम। अप्रैल 2023 में ये इतला मिली थी कि परम कंटर टेलीविजन में वया कोम 18 कंटर कल्स्टर के बिजनेस हेड के तौर पर अपने काम के लिए मशहूर सिल्वर स्क्रीन पर एंट्री देने के लिए तैयार थे। इसने इसके लिए जियो स्टूडियोज़ के साथ हाथ मिलाया और धनंजया को प्रोजेक्ट को सुर्खी के लिए चुना गया। अगरचे इब्तदाई तौर पर अनुमान को लपेट दिया गया, धनंजया ने गलती से अपने एक इंटरव्यू में फिल्म का नाम जाहिर किया और जिन्होंने 2023 के रोमांटिक ड्रामे सप्ताह सागर दाचे एलव में सामेन को मुतासर किया था को फिल्म में मुखालफ के तौर पर कास्ट किया गया। फिल्म की शूटिंग बेंगलुरु और मैसूर में की गई थी। साउंडट्रैक कोटी साउंडट्रैक एल्बम मजरिया वासिफ की वैभव रिलीज शुदा 2024 रिकॉर्ड 2024 जनवरी साउंडट्रैक की लंबाई 18 लेबल सार गामा प्रोड्यूसर ज्योति देशपांडे वैभव की तारीख तगारो पालिया 2023 कोटी 2024 यूट्यूब पर बैरूनी ऑडियो ऑफिशियल ऑडियो जोक बॉक्स। फिल्म के गाने वासिफ की वैभव ने तरतीब दिए हैं जबकि बैकग्राउंड स्कोर नोबिन पॉल का है। फिल्म के मौसीकी के हकूक सारे गामा ने हासिल किए थे। ट्रैक लिस्ट नंबर टाइटल के गाने की लंबाई माथो सोथो रिहाई तरमीम थ्रेटिकल तरमीम। फिल्म 14 जून 2024 को थिएटर में रिलीज के लिए तैयार है। हवाला एजाज तरमीम छलांग लगाएं ए बी कोटी धनंजया का अगला जियो स्टूडियो के साथ है। सबसे पहले जनूबी 9 अप्रैल 2024 बाजार शुदा 7 मई 2024 कंटर विजय कर्नाटक 14 मई 2024 को बाजार किया गया। बैवरो दी हिंदू 9 अप्रैल 2024 धनंजया की अगली फिल्म कूटी है जिसके हदायतकार परमेश्वर कंडगल हैं। हिंदू 14 मई 2024 को बाजार किया गया। बैवरो दी हिंदू 9 अप्रैल 2024 धनंजया की अगली फिल्म कूटी है जिसके हदायतकार परमेश्वर हैं। शारदा ए 29 मई 2023 खुशकिस्मती है कि मैं सिर्फ अपनी दूसरी फिल्म में धनंजय के साथ काम करूं। सिनेमा एक्सप्रेस 7 मई 2024 को बाजियाफ्त किया गया। श्रद्धा ए 11 अप्रैल 2023 परम स्टूडियोज के साथ कई प्रोजेक्ट्स के जियो ने बैंक रोल करने के लिए हाथ मिलाया। द न्यूज़ इंडियन एक्सप्रेस 7 मई 2024 को बाजियाफ्त किया गया। सर्वस एक्सप्रेस न्यूज़ 6 मई 2024 रमेश इंदिरा कोटी में मुखालफ का किरदार अदा करेंगे। द न्यूज़ इंडियन एक्सप्रेस 7 मई 2024 को बाजार किया गया। खसूसियात सी ई 13 अप्रैल 2024 मैं चाहता हूँ कि सब आप में कोटी को
دریافت کریں. دھننجے سینما ایکسپریس 7 مئی 2024 کو دریافت کیا گیا. ڈالی دھننجایا کی کوٹی 14 جون کو ریلیز ہوگی. ٹائمز ناؤ 15 اپریل 2024 بازیافت شدہ 7 مئی 2024 بیرونی روابط آخری ترمیم 9 دن پہلے کے ذریعے کی گئی مواد کے تحت دستیاب ہے جب تک کہ دوسری صورت میں نوٹ نہ کیا جائے. رازداری کی پالیسی استعمال کرنے کی شرائط ڈیسک ٹاپ تلاش کریں. دھننجایا اداکار آرٹیکل ٹاک زبان ڈاؤن لوڈ اترنا پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ. تاہم انہوں نے زیادہ سنجیدگی سے کام کرنے اور ایک شوق تھیٹر گروپ میں شامل ہونے لگے جو جی فائر نامی ایک سینئر رمیشا کے نام سے ایک سینئر رمیشا آرٹسٹ کے طرف سے سربراہ اور ملازہ کیا. جرمنی میں جرمنی تھیٹر آرٹسٹ عیسائی اسٹاک کی طرف سے وہ بھی تسلیم شدہ اور میسر ایک ڈرامہ میں ان کی پرفارمنس میں سے ایک کے دوران انہیں مقبول کناڈا ڈائریکٹر گرو پاساد کی طرف سے تسلیم کیا گیا تھا اور ایک خصوصیت فلم میں ایک اہم کردار پیش کی گئی تھی. اس طرح سینڈرولن میں اپنے کیریئر شروع ہوا. فلم کیریئر میں ترمیم اور عملے میں ترمیم. عملے میں فلم علامہ کے پیشکش میں بھارت 47 بین الاقوامی فلم فیسٹیول 26 نومبر 2016. کوٹی ایک 2024 کی ہندوستانی کنڈر زبان کے تھرلر ڈرامہ فلم ہے جس کی ہدایت کاری ڈیبیو کرنے والے پرم نے کی ہے اور اسے جیو اسٹوڈیوز کے بینر کے تحت جیوتی دیش پانڈے نے پروڈیوس کیا ہے. اس فلم میں دھننجایا موشکا کشال رمیش اندرا رنگا یانا راگو اور تارا ہیں. یہ کنڈر سنیما کے داخلے میں کو نشان زد کرتا ہے. جیو اسٹوڈیوز فلم کی سینماٹوگرافی ارون بھرما نے پراتیک شیٹی نے ایڈٹ کی ہے اور بیک گراؤنڈ سکور نوبن پال نے کیا ہے. کوٹی پرم کی طرف سے ہدایت کاری پرم کی طرف سے پروڈیوسر جیوتھی دیشپانڈے نے اداکاری کی. دھننجایا موکشا کشال رمیش اندرا تارا رنگین راگو سینماٹوگرافی ارون بھرما نے ایڈٹ کیا. پراتیک شیٹی میوزک بجریہ گانوں واسوکی ویبھو پس منظر کا سکور نوبن پال. پیداوار کمپنیاں جیو اسٹوڈیوز وشنو اسٹوڈیوز کے آر جی اسٹوڈیوز کے ذریعے تقسیم کیا گیا. تاریخ رہائی 14 جون 2024. وقت چل رہا ہے 170 منٹ. زبان کنٹر. یہ فلم 14 جون 2024 کو ریلیز ہونے والی ہے. پلاٹ ترمیم اپنی بہن کی شادی اور بدعنوان جنتا شہر میں مستقبل کے لیے ایک ایماندار خوش قسمتی کی تلاش میں ایک سچا عام آدمی کوٹی طاقتور گینگ لیڈر ڈینم ساوکار کی مخالفت کرتا ہے. جب کوٹی کے نافرمانی بڑھتے ہوئے قرضوں کا باعث بنتی ہے تو اسے ختم کرنے کے لیے زندگی کو بدلنے والے انتخاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کاسٹ ترمیم دھننجایا بطور کوٹی موکش کشال بطور نومی رمیش اندرا بطور ڈینو ساوکر تارا کوٹی کی ماں کے طور پر رنگین راگو بطور رمنا پرتھوی شانہ نور بطور نچی کوٹی کی بہن کے طور پر تھانوجا ونکٹیش سردار سکیا بطور پربھاکر ابھیشیک شری کانت شیوا کے طور پر پیداوار ترمیم اپریل 2023 میں یہ اطلاع ملی تھی کہ پرم کنٹر ٹیلی ویژن میں ویا کوم 18 کنٹر کلسٹر کے بزنس ہیڈ کے طور پر اپنے کام کے لیے مشہور سلور اسکرین
पर एंट्री देने के लिए तैयार थे। इसने इसके लिए जियो स्टूडियोज़ के साथ हाथ मिलाया और धनंजया को प्रोजेक्ट को सुर्खी के लिए चुना गया। अगरचे इब्तदाई तौर पर अनुमान को लपेट दिया गया, धनंजया ने गलती से अपने एक इंटरव्यू में फिल्म का नाम जाहिर किया और जिन्होंने 2023 के रोमांटिक ड्रामे सप्ताह सागर दाचे एलव में सामेन को मुतासर किया था को फिल्म में मुखालफ के तौर पर कास्ट किया गया। फिल्म की शूटिंग बेंगलुरु और मैसूर में की गई थी। साउंडट्रैक कोटी साउंडट्रैक एल्बम मजरिया वासिफ की वैभव रिलीज़ शुदा 2024 रिकॉर्ड 2024 जनवरी साउंड ट्रैक की लंबाई 18 लेबल सार गामा प्रोड्यूसर ज्योति देशपांडे वैभव की तारीख गारो पालिया 2023 कोटी 2024 यूट्यूब पर बैरूनी ऑडियो ऑफिशियल ऑडियो जोक बॉक्स। फिल्म के गाने वासिफ की वैभव ने तरतीब दिए हैं जबकि बैकग्राउंड स्कोर नोबिन पॉल का है। फिल्म के मौसीकी के हकूक सारे गामा ने हासिल किए थे। ट्रैक लिस्ट नंबर टाइटल के गाने की लंबाई माथो सोथो रिहाई तरमीम थ्रेटिकल तरमीम। फिल्म 14 जून 2024 को थिएटर में रिलीज के लिए तैयार है। हवाला एजाज तरमीम छलांग लगाएं ए बी कोटी धनंजया का अगला जियो स्टूडियो के साथ है। सबसे पहले जनूबी 9 अप्रैल 2024 बाजार शुदा 7 मई 2024 कंटर विजय कर्नाटक 14 मई 2024 को बाजार किया गया। बेवरो दी हिंदू 9 अप्रैल 2024 धनंजया की अगली फिल्म कूटी है जिसके हदायतकार परमेश्वर कंडगल हैं। हिंदू 14 मई 2024 को बाजार किया गया। बेवरो दी हिंदू 9 अप्रैल 2024 धनंजया की अगली फिल्म कूटी है जिसके हदायतकार परमेश्वर हैं। शारदा ए 29 मई 2023 खुशकिस्मती है कि मैं सिर्फ अपनी दूसरी फिल्म में धनंजय के साथ काम करूं। सिनेमा एक्सप्रेस 7 मई 2024 को बाजियाफ्त किया गया। श्रद्धा ए 11 अप्रैल 2023 परम स्टूडियोज़ के साथ कई प्रोजेक्ट्स के जियो ने बैंक रोल करने के लिए हाथ मिलाया। द न्यूज़ इंडियन एक्सप्रेस 7 मई 2024 को बाजियाफ्त किया गया। सर्वस एक्सप्रेस न्यूज़ 6 मई 2024 रमेश इंदिरा कोटी में मुखालफ का किरदार अदा करेंगे। द न्यूज़ इंडियन एक्सप्रेस 7 मई 2024 को बाजियाफ्त किया गया। खसूसियात सी ई 13 अप्रैल 2024 मैं चाहता हूँ कि सब आप में कोटी को दरियाफ्त करें। धनंजय सिनेमा एक्सप्रेस 7 मई 2024 को बाजियाफ्त किया गया। डाली धनंजया की कोटी 14 जून को रिलीज होगी। टाइम्स नाउ 15 अप्रैल 2024 बाजियाफ्त शुदा 7 मई 2024 बैरूनी रवाबत आखिरी तरमीम 9 दिन पहले के जरिए की गई मवाद के तहत दस्तयाब है जब तक कि दूसरी सूरत में नोट ना किया जाए।
رازداری کی پالیسی استعمال کرنے کی شرائط ڈیسک ٹاپ تلاش کریں دھننجایا اداکار آرٹیکل ٹاک زبان ڈاؤن لوڈ اترنا پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ تاہم انہوں نے زیادہ سنجیدگی سے کام کرنے اور ایک شوق تھیٹر گروپ میں شامل ہونے لگے جو جی پائر نامی ایک سینئر رمیشا کے نام سے ایک سینئر رمیشا آرٹسٹ کے طرف سے سربراہ اور ملازحہ کیا جرمنی میں جرمنی تھیٹر آرٹسٹ عیسائی اسٹک کی طرف سے وہ بھی تسلیم شدہ اور میسر ایک ڈرامہ میں ان کی پرفارمنس میں سے ایک کے دوران انہیں مقبول کناڈا ڈائریکٹر گرو پاساد کی طرف سے تسلیم کیا گیا تھا اور ایک خصوصیت فلم میں ایک اہم کردار پیش کی گئی تھی اس طرح سینڈرولن میں اپنے کیریئر شروع ہوا فلم کیریئر میں ترمیم اور عملے میں ترمیم عملے میں فلم علامہ کے پیشکش میں بھارت 47 بین الاقوامی فلم فیسٹیول 26 نومبر 2016 کوٹی ایک 2024 کی ہندوستانی کنٹر زبان گئی تھرلر ڈرامہ فلم ہے جس کی ہدایت کاری ڈیبیو کرنے والے پرم نے کی ہے اور اسے جیو اسٹوڈیوز کے بینر کے تحت جیوتی دیش پانڈے نے پروڈیوس کیا ہے اس فلم میں دھنجایا موشکا کشال رمیش اندرا رنگا یانا راگو اور تارا ہیں یہ کنٹر سنیما کے داخلے میں کو نشان زد کرتا ہے جیو اسٹوڈیوز فلم کی سینماٹوگرافی ارون بھرما نے پراتیک شیٹی نے ایڈٹ کی ہے اور بیک گراؤنڈ اسکور نوبن پال نے کیا ہے کوٹی پرم کی طرف سے ہدایت کاری پرم کی طرف سے پروڈیوسر جیوتھی دیش پانڈے نے اداکاری کی دھنجایا موکشا کشال رمیش اندرا تارا رنگین راگو سینماٹوگرافی ارون بھرما نے ایڈٹ کیا پراتیک شیٹی میوزک بزریا گانوں واسوکی ویبھو بس منظر کا اسکور نوبن پال پیداوار کمپنیاں جیو اسٹوڈیوز وشنو اسٹوڈیوز کے آر جی اسٹوڈیوز کے ذریعے تقسیم کیا گیا تاریخ رہائی 14 جون 2024 وقت چل رہا ہے 170 منٹ زبان کنٹر یہ فلم 14 جون 2024 کو ریلیز ہونے والی ہے پلاٹ ترمیم اپنی بہن کی شادی اور بدعنوان جنتا شہر میں مستقبل کے لیے ایک ایماندار خوش قسمتی کی تلاش میں ایک سچا عام آدمی کوٹی طاقتور گینگ لیڈر ڈینم ساوکار کی مخالفت کرتا ہے جب کوٹی کے نافرمانی بڑھتے ہوئے قرضوں کا باعث بنتی ہے تو اسے ختم کرنے کے لیے زندگی کو بدلنے والے انتخاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے کاسٹ ترمیم دھنجایا بطور کوٹی موکش کشال بطور نومی رمیش اندرا بطور ڈینو ساوکر تارا کوٹی کی ماں کے طور پر رنگین راگو بطور رمنا پرتھوی شانہ نور بطور نچی کوٹی کی بہن کے طور پر تھانوجا ونکٹیش سردار سکیا بطور پربھاکر ابھیشیک شری کانت شیوا کے طور پر پیداوار ترمیم اپریل 2023 میں یہ اطلاع ملی تھی کہ پرم کنٹر ٹیلی ویژن میں ویا کوم 18 کنٹر کلسٹر کے بزنس ہیڈ کے طور پر اپنے کام کے لیے مشہور سلور اسکرین پر انٹری دینے کے لیے تیار تھے اس نے اس کے لیے جیو اسٹوڈیوز کے ساتھ ہاتھ ملایا اور دھننجایا کو پروجیکٹ کو سرخی کے لیے چنا گیا اگرچہ ابتدائی طور پر عنوان کو لپیٹ دیا گیا دھننجایا نے غلطی سے اپنے ایک انٹرویو میں فلم کا نام ظاہر کیا اور جنہوں نے 2023 کے رومانٹک ڈرامے سپتا ساگر
द चे एलव में सामेन को मुतासर किया था, को फिल्म में मुखालफ के तौर पर कास्ट किया गया। फिल्म की शूटिंग बेंगलुरु और मैसूर में की गई थी। साउंडट्रैक कोटी साउंडट्रैक एल्बम बजरिया वासिफ की वैभव रिलीज शुदा 2024 रिकॉर्ड 2024 जनवरी साउंडट्रैक की लंबाई 18 लेबल सार गामा प्रोड्यूसर ज्योति देशपांडे वासिफ की वैभव की तारीख गारो पालिया 2023 कोटी 2024 यूट्यूब पर बैरूनी ऑडियो ऑफिशियल ऑडियो जोक बॉक्स फिल्म के गाने वासिफ की वैभव ने तरतीब दिए हैं जबकि बैकग्राउंड स्कोर नोबिन पॉल का है। फिल्म के मौसीकी के हकूक सारे गामा ने हासिल किए थे। ट्रैक लिस्ट नंबर टाइटल के गाने की लंबाई माथो सोथो रिहाई तरमीम थ्रेटिकल तरमीम फिल्म 14 जून 2024 को थिएटर में रिलीज के लिए तैयार है। हवाला एजाज तरमीम छलांग लगाएं ए बी कोटी धनंजया का अगला जियो स्टूडियो के साथ है। सबसे पहले जनूबी 9 अप्रैल 2024 बाजार शुदा 7 मई 2024 कंटर विजय कर्नाटक 14 मई 2024 को बाजार किया गया। बैवरो दी हिंदू 9 अप्रैल 2024 धनंजया की अगली फिल्म कूटी है जिसके हदायतकार परमेश्वर कंडगल हैं। हिंदू 14 मई 2024 को बाजार किया गया। बैवरो दी हिंदू 9 अप्रैल 2024 धनंजया की अगली फिल्म कूटी है जिसके हदायतकार परमेश्वर हैं। शारदा ए 29 मई 2023 खुशकिस्मती है कि मैं सिर्फ अपनी दूसरी फिल्म में धनंजय के साथ काम करूं। सिनेमा एक्सप्रेस 7 मई 2024 को बाजियाफ्त किया गया। श्रद्धा ए 11 अप्रैल 2023 परम स्टूडियोज़ के साथ कई प्रोजेक्ट्स के जियो ने बैंक रोल करने के लिए हाथ मिलाया। द न्यूज़ इंडियन एक्सप्रेस 7 मई 2024 को बाजियाफ्त किया गया। सर्वस एक्सप्रेस न्यूज़ 6 मई 2024 रमेश इंदिरा कोटी में मुखालफ का किरदार अदा करेंगे। द न्यूज़ इंडियन एक्सप्रेस 7 मई 2024 को बाजियाफ्त किया गया। खसूसियात सी 13 अप्रैल 2024 मैं चाहता हूँ कि सब आप में कोटी को दरियाफ्त करें। धनंजय सिनेमा एक्सप्रेस 7 मई 2024 को बाजियाफ्त किया गया। डाली धनंजया की कोटी 14 जून को रिलीज होगी। टाइम्स नाउ 15 अप्रैल 2024 बाजियाब शुदा 7 मई 2024 बैरूनी रवाबत आखिरी तरमीम 9 दिन पहले के जरिए की गई मवाद के तहत दस्तयाब है जब तक कि दूसरी सूरत में नोट ना किया जाए। राजदारी की पॉलिसी इस्तेमाल करने की शरायत डेस्कटॉप तलाश करें। धनंजया अदाकार आर्टिकल टॉक जबान डाउनलोड अतरना पीडीएफ डाउनलोड तहम उन्होंने ज़्यादा संजीदगी से काम करने और एक शोक थिएटर ग्रुप में शामिल होने लगे जो जी पायर नामी एक सीनियर रमेशा के नाम से एक सीनियर रमेशा आर्टिस्ट के तरफ से सरबरा और मुलाजहा किया। जर्मनी में जर्मनी थिएटर आर्टिस्ट ईसाई स्टक
की तरफ से वो भी तस्लीम शुदा और मैसर एक ड्रामा में इनकी परफॉर्मेंस में से एक के दौरान इन्हें मकबूल कनाडा डायरेक्टर गुरु प्रसाद की तरफ से तस्लीम किया गया था और एक खसूसियत फिल्म में एक अहम किरदार पेश की गई थी। इस तरह सैंड्रोलन में अपने करियर शुरू हुआ। फिल्म करियर में तरमीम और अमले में तरमीम। अमले में फिल्म इलामा के पेशकश में भारत 47 बैन अल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल 26 नवंबर 2016।